अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द डॉग डॉग शो। तालियां नहीं रुकेंगी आज, दोबारा बजाओ। थैंक यू। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग हमारे शो पे आए, और सबसे बढ़ के आप सब लोगों का शुक्रिया। ये आपका प्यार है, आपका फीडबैक है, जिसकी बदौलत आज हमारा टॉक टॉक शो का सेट और ज्यादा ग्रैंड हो गया है, और बड़ा हो गया है। और सबसे बढ़कर हमने आप में से अपने कुछ चाहने वालों को आज यहाँ पर दावत दी है, जो कि अब आने वाली किस्तों में भी यहाँ पर मौजूद होंगे। तो आप सब अपने लिए जोर से तालियां बजाओ। वैसे भी मेरे हाथ थक चुके थे खुद ही तालियां बजा बजा के, तो मैं बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ मेरी पूरी टीम का, द टॉक टॉक शो की पूरी टीम का, मेरी प्रोड्यूसर का, मेरे डायरेक्टर का, उनके लिए भी तालियां बजाओ भाई। तालियां बजाने पे कौन से पैसे लगते हैं, क्यों? तो क्यों ना हम सबको, अपनी पूरी टीम को सेलिब्रेट करें। और इसी मौके पर मैं चाहूँगा कि मैं आप लोगों को थोड़ा सा अपने सेट का टूर कराऊँ, क्योंकि हमने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे ऐड किए हैं, बहुत सारे एडिशंस किए हैं। आपका फीडबैक हमारे लिए बहुत कीमती है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम चाहते हैं कि हम अपने टॉक टॉक शो को बुलंदियों से भी ऊपर, ऊंचाइयों से भी ऊपर, पहाड़ों की चोटियों से भी ऊपर लेके जाएं। क्यों भाई? फॉलो मी। ये देखें, सबसे पहले तो ये देखें खूबसूरत स्क्रीन। ये एक बहुत बड़ी स्क्रीन है, यहाँ पे मेरा चेहरा आप अक्सर देखा करेंगे, और फिर जब जब मेरा चेहरा नजर आएगा, मैं चाहूंगा कि हमारी ऑडियंस दोबारा से क्या करे, तालियां बजाए। और ये एक बड़ा यूनिक सा एक एरिया लग रहा है। इससे पहले कि मैं रिवील करूं, मुझे थोड़ा सा ऑनेस्टली डर भी लग रहा है कि पता नहीं यहां पे क्या होने वाला है, क्योंकि अगर आप देखें इस तरफ, जरा कैमरा घुमाएं, तो यहां पर यह गोला है, लाल कुर्सी है, और पीछे वो देखें। ओह, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम भाई, कैसे? हमारी तालियां बजाओ यार। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? आप कहीं सुमेरा तो नहीं? बिल्कुल मैं सुमेरा हूँ। आप सुमेरा हैं? बिल्कुल मैं सुमेरा। खड़ी क्यों हैं? बैठे ना सुमेरा जी। थैंक यू। कैसी हैं? बिल्कुल ठीक, आप कैसे हैं? मैं थोड़ा सा सहमा हुआ। क्यों भाई? क्योंकि मुझे पता चला है कि आप सब जानती हैं। क्या ये सच है? बिल्कुल सच है। बिल्कुल सच है? थोड़ा थोड़ा सच है। मैं चाहूंगा कि इससे पहले मैं आपको ऑडियंस को इंट्रोड्यूस कराऊं, बिकॉज आप इतना कुछ करती हैं, आप क्यों ना खुद ही अपने आप को थोड़ा सा इंट्रोड्यूस कराएं। बिल्कुल बिल्कुल, मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूंगी। तो मैं एक लाइसेंस साइकोथेरेपिस्ट हूं। लाइसेंस साइकोथेरेपिस्ट? यस। एंड ऑल्सो मेरी ट्रेनिंग हुई भी एस्ट्रोलॉजी में, जो कि वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी है। तो मैं दोनों को मिक्स करके साइकोलॉजिकल एनालिसिस देती हूँ। और जैसे कि आपने कहा मैं सब जानती हूँ, तो मैं सब नहीं जानती, मैं आपके बारे में बहुत कुछ जानती हूँ। मेरे बारे में तो दुनिया जानती है यार। जानते हो मेरे बारे में या नहीं जानते? है मेरा तो माशाल्लाह इतना नाम है, माशाल्लाह। टॉक टॉक शो को जानते नहीं जानते? अरे क्या बात कर रही हैं आप, मुझे तो सब जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आपको आपके चार्ट को देखने के बाद पता चलता है कि आप पैदे ही स्टार बनने के लिए हुए हैं। वाकई? बिल्कुल बिल्कुल। ये आप सच कह रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल सच कह रही हैं। और कुछ बताएं ना मेरे बारे में, क्या जानना चाहेंगे? ऐसी बातें जो कैमरे पे बताई जा सके। ओह, फिर तो मुझे सोचना पड़ेगा। सोचे ना, वाकई मैं जानना चाहूंगा। आपने मेरा चार्ट देखा है? बिल्कुल, मैंने आपका चार्ट देखा। क्या है मेरे चार्ट में, ऐसी खास बात क्या है? सबसे बड़ी खास बात यह कि आपकी चार्ट में बहुत ग्रैंडियोसिटी है। तो आपने देखा होगा कि आप अक्सर यूज करते हैं बिग, ग्रैंड, वेरी बिग, मेगा, दीज वर्ड्स। तो आपकी जो कम्युनिकेशन है वो भी बहुत ग्रैंड किस्म की। मेरा सेट भी बहुत ग्रैंड है। बिल्कुल। तो इट्स लाइक एन एम्पायर, यू आर द किंग ऑफ एन एम्पायर। और उसके बाद जो है किंग की कुछ खासियत होती है। नहीं, वो बाकी बातें मैं ऑफ कैमरा करेंगे। हमारे शो के बारे में बताएं, टॉक टॉक शो के बारे में आप बताएं, अब तक की जो हमारी जर्नी रही है साइको एनालिसिस उसका, हमारे शो का, आने वाले वक्त में क्या क्या बता सकती हैं आप? आपके शो की जो अच्छी बात यह है वो ये है कि आपके अंदर बड़ी सारा एनर्जी है। लाइक जो एनर्जी आपकी नज़र आती है वो बोर नहीं होने देती लोगों को, एंड यू कीप पीपल गोइंग। तो अभी भी आप देखें तो आप काफ़ी एंटरटेन रख रहे थे पहले भी बीच में लोगों को। सो दैट इज़ द बेस्ट थिंग अबाउट यू। सो यू आर एन एंटरटेनर, तो शो शुड बी एंटरटेनिंग। और कितने साल का कॉन्ट्रैक्ट मेरे लिखा हुआ है सितारों में एक्सप्रेस के साथ? देखें, आप बादशाह हैं, आप कहीं भी। मुझे खुद की जरूरत पड़नी चाहिए तालियां बजाने के लिए, मेरे हाथ थक चुके हैं। खवातीनों, आप लोग इसीलिए आए कि आप बिना क्यों तालियां बजाएं। हाँ,
तो बादशाह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, बादशाह की मर्जी होती है। तो आप मुझे निकलवाएंगी सुमेरा जी, आपके मुझे ख्यालात सही नहीं लग रहे, लेकिन सो गुड टू हैव यू ऑन आवर शो। और मुझे उम्मीद है कि अब आप आ गई हैं तो आप जाएंगे नहीं, देखिए अब आपने जाना नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि अपने बारे में तो मैं जानूंगा ही जानूंगा इंशाल्लाह, बट हमारे जो गेस्ट आते हैं यहाँ पे, इट बी रियली इंटरेस्टिंग अगर आप उनको साइको एनालिसिस उनका करें, साइको एनालाइज करें। बिल्कुल बिल्कुल, साइको ये जो टर्म है साइको एनालिसिस या साइकोथेरेपिस्ट, इसको आप थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए ये हमारे दिमाग किस तरीके से काम कर रहा है, हमारी साइकी किस तरीके से काम कर रही है, और इसमें सबसे अच्छी चीज ये होती है सेल्फ डेवलपमेंट रिलेटेड स्टफ, कि आप किन चीजों पर काम करके अपने आप को इम्प्रूव कर सकते हैं। और बहुत सारे लोग समझते हैं कि सिर्फ एस्ट्रोलॉजर ये बताएगा कि शादी कब होगी और लड़की कब मान जाएगी और लड़की कब मिलेगी या लड़का कब मिलेगा, तो ये उससे बहुत आगे की चीज़ है एस्ट्रोलॉजी, हाँ। जो हम वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी करते हैं। बट ये साइको एनालिसिस के लिए कोई ऐसी खास इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए होती है सब्जेक्ट के बारे में, वो क्या इन्फॉर्मेशन होती है? हमें डेट चाहिए होता है, डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ एंड टाइम ऑफ बर्थ, और उसके जरिए हम मालूम कर सकते हैं कि किस तरीके से आपका जो है माइंड काम करता है और आपके इमोशंस किस तरीके से काम करते हैं। और ये जो साइको एनालिसिस वाली साइंस है, इसका ताल्लुक भी क्या स्टार्स से है, स्टार्स एस्ट्रोलॉजी से है? बिल्कुल, एस्ट्रो साइकोलॉजी एक ब्रांच है साइकोलॉजी की, जिसके अंदर ये हम देखते हैं कि एज अबव सो बिलो, तो जो आसमान में हो रहा है उसका इंपैक्ट जमीन पे किस तरीके से आता है और हमारी साइकी पे कैसे आता है। वेरी इंटरेस्टिंग, बिल्कुल मुझे ऐसा लग रहा है मजा आने वाला है, बहुत मजा आने वाला, क्योंकि बाजी सब जानती है भाई। बाजी के लिए तालियां। सुमेरा आपने कहीं जाना नहीं है, क्योंकि आज भी बहुत दो इंटरेस्टिंग किस्म के गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं और उनकी खसूसियत ये है कि वो तमाशा लगाने के माहिर हैं। ओह, तो ऐसी जो शख्सियत होती है, I'm sure, उनको एनालाइज करके आपको भी बड़ा मजा आता होगा। बिल्कुल, और बिल्कुल। उनका बिहेवियर और एटीट्यूड और उनका सारे एक्शंस देख के ऑडियंस भी बड़ा एंजॉय करती है। तो आज का शो तो हमारा और ज्यादा मजे का होने वाला है। तो खातिनो जात, आपने कहीं नहीं जाना क्योंकि वक्त एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का। विल सी यू आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। थैंक यू। इतना प्यार यार, आप लोग इतना प्यार मुझसे क्यों करते हैं, क्यों करते हैं आप लोग मुझसे इतना प्यार? आपने ही तो क्या ब्रेक में क्या कि आप मुझे मेरा नाम लेना हसन। अबे तुमको वापस नहीं आना क्या इस शो में? है तमाशा लगाने आए हो तुम यहाँ पे, तमाशा लगाने आए हो? है तमाशा तमाशा देखा आप लोगों में से किसी ने? देखे? हाँ, क्या कह रही हैं आप? देखा तमाशा आपने? भाई तमाशा अगर आपने देखा है, मैंने तो देखा है 50 दिन रोज सुबह दोपहर शाम, ना सिर्फ जो टीवी पे आता था वो देखा है, जो अनकट आता था वो भी पूरा देखा है। इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना जो तमाशा के टॉप 5 कंटेस्टेंट्स हैं उनमें से 2 कंटेस्टेंट्स को यहाँ पे लेके आए, उनके बारे में इतने सारे सवाल हैं आपके पास, उनके बारे में इतने सारे सवाल हैं मेरे पास, तो क्यों ना उनसे वो सवालात पूछे। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाई आप लोगों के फेवरेट कौन से कंटेस्टेंट है तमाशा के? जुनेद आपका, नेहा आपका, जुनेद, नेहा, जुनेद, नेहा, नेहा, जुनेद। लेडीज एंड जेंटलमैन, प्लीज गिव इट अप फॉर जुनेद एंड नेहा। Assalamualaikum, Junaid, कैसे हैं आप? Good to so good to have you. Thank you. Hi, Neha. Assalamualaikum, everyone. Welcome. Thank you. Please have a seat. बैठे Neha and Junaid for coming to my show. यार आप लोग थक गए अब तमाशा की बात कर करके, जब से निकले हैं या अभी तक आपको नहीं वो रियलाइज हो रहा यार कि कितनी बड़ी चीज हो गई आपके? नहीं अभी तक रियलाइज नहीं हो रहा है कितनी बड़ी चीज हो गई है, बिल्कुल भी नहीं रियलाइज। सो यू नॉट टायर्ड ऑफ टॉकिंग अबाउट दैट रियलिटी शो? यार बस हो गया 50 दिन वहां पे रह के हैं, अब जब से बाहर आए 20 दिन हो गए, वो एक ही बात हुए जा रही है। नहीं मजा आ रहा है अब तो, लोग बात कर रहे हैं क्योंकि वहां तो हमें नहीं पता था क्या रिएक्शन है लोगों का और कैसा फीडबैक है, लेकिन अब यहाँ पे आके पता चल रहा है कि कैसा फीडबैक है, क्या रिएक्शन है। तो ये मजा कितनी देर और चलेगा आपको लगता है? ये मुझे लगता है अभी चलेगा क्योंकि वो इतना बड़ा हो गया था, किसी को भी नहीं रियलाइज हुआ कि ये इतना बड़ा होने वाला है। फर्स्ट सीजन और सेकंड सीजन में जमीन आसमान का फर्क आ गया था, तो आई थिंक इट्स गोना बी लाइक, ये ऐसा शो है मुझे लगता है कि इसकी तो साल तक तो बात जरूर होगी। क्यों फर्क आया सेकंड सीजन में नेहा, क्या क्या वजह है? मैं थी ना भाई। अच्छा जुनेद आपके बारे में, हम आपको तमाशा से पहले स्क्रीन पे देख रहे थे, आपने काम किया मोस्ट रिसेंटली बेबी बाजी में, आपने काम किया, लोगों ने आपके कैरेक्टर को बड़ा पसंद किया, ड्रामा बड़ा पसंद किया गया, उससे पहले हम आप मॉडलिंग भी कर रहे हैं, आपको मॉडल करते हुए भी देखा है, सिंफियान में जब आपका एक अपेयरेंस था तब से यू आर वेरी वेल रिकग्नाइज। नेहा आपकी तमाशा से पहले की जो जिंदगी है इज अ बिट ऑफ अ मिस्ट्री,
वुड यू लाइक टू रिवील समथिंग अबाउट इट? आज जरा बताएं तो सही कि तमाशे से पहले, क्योंकि इतने आपके बारे में हाँ. बातें हो रही हैं हाँ. आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, मैं ऑब्वियसली उस डिटेल में नहीं जाना चाहूंगा, आप क्या शेयर कर सकती हैं हमारे साथ? सच बड़े सच लोगों ने ये भी कहा कि तमाशा में जो आपने बातें बताई हैं वो सब झूठ बताया आपने। सच सच बताओ, वो सब। और आज आपने सच बोलना है। मैं आपकी वजह से चले आज सच बता देती हूँ, ठीक है ना? मेरी 5 बच्चे हैं और 4 शादी हो चुकी है। चले अब मैं सच बताती हूँ। मैंने जो है 2017 में एक प्रोजेक्ट किया था, प्रॉबेबली ऐसी था थोड़ा बहुत काम, बट आई वॉज़ इन टू एक्टिंग बिकॉज ऑफ माई हेल्थ इशूज़, तो मुझे छोड़ना पड़ा। तो मुझे जब मैंने छोड़ा तो बहुत लंबा ब्रेक आया, लेकिन बीच में मुझे एक और प्रोजेक्ट करना था जो मैं नहीं कर पाई। फिर मुझे जब तमाशा के लिए कॉल आई तो आई वॉज लाइक ओके आई एम गोना डू दिस, अब मैं यहाँ से स्टार्ट करती हूँ। तो दिस वॉज लाइक अ रिफ्रेश बटन फॉर मी, एंड आई एम ग्लैड कि लोगों को वो इतना पसंद आया, इतना पसंद आया कि लोग, मतलब लोग ऐसे हैं कि कहते हैं वी जस्ट केयर अबाउट द प्रेजेंट, वी डोंट केयर अबाउट द पास्ट एनी मोर। रियली? तो या आई गॉट दैट। Do you guys only care about Neha's present and the future? या पास के बारे में आप जानना चाहते हैं? नेहा के जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, जानना चाहते। फॉर एग्जाम्पल क्या कि नेहा आप विच सिटी आर यू फ्रॉम, आप कहाँ पे पैदा हुई, कहाँ पे आपकी अपब्रिंगिंग हुई? अपब्रिंगिंग कराची में हुई, एंड देन हाफ ऑफ माय फैमिली एक्चुअली लिव्स इन दुबई। ओके। या माय मॉम्स हाउस, लाइक माय नाना'स हाउस इज इन रहीमगर खान, सो माय मॉम वाज फ्रॉम देयर, माय डैड इज फ्रॉम पेशावर। अच्छा। तो या इट वाज अ मिक्स, इट्स अ मिक्स। या ठीक है, चले ये आपको तसल्ली मिल गई, आपको तसल्ली हो गई, खुश हैं आप? या ठीक है। So, आपने 2017 में जो एक एक्टिंग असाइनमेंट किया था, इट्स जस्ट वन ड्रामा दैट। या बिकॉज माय फैमिली वाज लाइक, मुझ पे बहुत प्रेशर था कि आप नहीं करो आगे, अभी नहीं करो। तो मुझे मेरी खाला ने बुला लिया था वापस। तो शी वाज लाइक कि नहीं, आप वापस आ जाओ, तुम्हें कोई जरूरत नहीं है, तुम नहीं कर सकती हो ये काम, अभी बहुत मुश्किल है। और इस तरह से, मतलब फॉर अ गर्ल दे थिंक दैट इट्स नॉट सूटेबल और समथिंग लाइक दैट। तो इसलिए फिर मुझे, मैंने फैमिली के प्रेशर में, हेल्थ इश्यूज की वजह से भी, तो फिर मैंने छोड़ दिया। नाउ दे आर ओके विद इट। मुझे काफ़ी टाइम लगा उन लोगों को समझाने में कि नहीं, अब मैं कर सकती हूँ, आई एम सेंसिबल इनफ, आई कैन हैंडल थिंग्स एंड स्टफ लाइक दैट। मैं बहुत ज़्यादा, एक तो बच्चा होता है ना जिसको बहुत ज़्यादा प्यार से लाड से पाला होता है, मैं वेरी पैम्पर्ड किड। वो तो हमें काफ़ी, हमने देखा 50 हैंडल कर समथिंग। माशाल्लाह आपका जो करियर अभी फेली रिसेंट, आप आए और मुझे तो लग रहा है कि आप छा रहे थे, इस बीच में एकदम आपने ये फैसला क्यों किया कि भाई मैंने रियलिटी शो करना है? क्योंकि आपका ड्रामा माशाल्लाह सुपर पॉपुलर, आपको काम भी बहुत मिल रहा है, आपको एक्टिंग असाइनमेंट्स भी मिल रही हैं। वन वुड थिंक कि यार, कि बंदा बोलेगा मैं एक्टिंग पे फोकस करना चाहता हूँ, आई एम ट्राइंग, आई एम ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ मेकिंग अ मार्क। रियलिटी शो तो एक बहुत बड़ी कमिटमेंट है, स्पेशली तमाशा जैसी, क्यों हाँ किया आपने तमाशा? मेरा हाँ करने का मकसद जो था ना इसका, वो ये था कि मैं अपने फैंस के लिए गया हूँ। मैं क्योंकि फैंस के लिए गया हूँ मैं, क्योंकि फैंस हमें इंस्टाग्राम पे देखते हैं, हमें सोशल मीडिया पे देखते हैं, जो हम दिखाना चाहते हैं। फैंस हमारी रियल लाइफ के बारे में नहीं जानते कि हम रियल लाइफ में कैसे हैं। तो मैंने उनको वो दिखाना था कि मैं रियल लाइफ में कैसा हूँ। आई थिंक उससे ज़्यादा अटैच हो जाते हैं फैंस, क्योंकि आप सोशल मीडिया पर पिक्चर्स डालते हो हर चीज़, लेकिन वो उससे इतना अटैच नहीं हो पाते। लेकिन अगर आपको वो डेली देखेंगे स्क्रीन पर, और वहाँ तो कोई एक्टिंग नहीं है, वहाँ पर आपका रियल सेल्फ है, आप जैसे हो वहाँ पर आप वैसे ही हो, तो उन्होंने वो देखा तो आई थिंक ज़्यादा अटैच हो चुके हैं। और मैं उनके लिए ही गया था वहाँ पर, तो ये डिसीजन था, ये मैंने बड़ा सोच समझ के लिया था। मैंने अपनी वाइफ से भी पूछा, अपनी फैमिली से पूछा कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ये ना हो फायर बैक कर जाए ये वाला। लेकिन बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, लोगों का अच्छा फीडबैक था, और इससे मुझे एक नई पहचान भी मिली, एक नया जुनेद मिला मुझे। मुझे अपनी गलतियाँ पता चली कि कहाँ मेरी खामियाँ हैं और कहाँ मेरी अच्छाइयाँ हैं, और वो चीज़ अब ये है कि मैं उसको सुधार रहा हूँ, और इंशाल्लाह एक नया जुनेद बन चुका हूँ मैं। बन गया। अच्छा। मैं नए जुनेद से भी सवाल करूंगा, लेकिन एक सवाल मैं आप दोनों से करना चाहता हूँ। जी, जैसे आपने बोला कि जो सोशल मीडिया की हद तक लोग जानते हैं, उनको नहीं पता होता कि असल में आपकी शख्सियत कैसी है, तो क्या ये भी एक प्रेशर था, नहीं था रियलिटी शो में जाने से पहले कि भाई बहुत ज्यादा हमारे बारे में पता चल जाएगा? कुछ आपकी पर्सनैलिटी के ऐसे एस्पेक्ट्स होते हैं, आप चाहते हैं यार के ढके छुपे रहें, लेकिन वहां पे तो इतने कैमराज आपके ऊपर 24/7, तो ये सोच नहीं आई कि यार ये ना हो भाई कि वो बातें भी पता लग जाए जो हम नहीं बताना चाहते? नहीं बताना चाहते। ये मेरे साथ हुआ था, मुझे पहले हफ्ते में और दूसरे हफ्ते में बहुत ज्यादा प्रेशर था, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी ऑफ कोर्स कि लोग इतना जाने। फिर वो ये होता है ना, जितना जानते फिर उतना आपको बुली करते हैं या टारगेट करते हैं, लेकिन फिर मजा आने लग गया क्योंकि ना जाने बगैर भी उन्होंने यही किया। इट्स ओके। किसने तुम्हें बुली किया? बस थे कुछ लोग, तुम बिल्कुल नहीं थे। मैं आपको बताऊं, जब हमारी टीम की बात चल रही थी
तो जब जुनेद नेहा से हमने बात की तो नेहा ने कहा किसी को भी बुला लो बस जुनेद के साथ छोड़ो। यही उम्मीद थी इससे मुझे। पता है आपको, मैं आपको सच्ची बात बता रहा हूँ नेहा, आप हंसे नहीं ज्यादा, आप हंसे नहीं, इन्होंने भी आपके बारे में यही बोला। अब तुमने भी बोला है तो इट्स ओके। इन्होंने ये बोला, इन्होंने ये बोला, मैं तो जानते नहीं नेहा कौन है। नहीं नहीं मैं तो भूल गया था, हम तो घर में। ऐसा क्या हुआ यार तमाशा में कि आप लोग एक दूसरे को पहचानने से इनकारी हो गए? मैं सच्ची बात बता रहा हूँ भाई आपको, ये मैं ऑफ ऑन कैमरा बता रहा हूँ, सॉरी। हाँ लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग, क्योंकि 50 दिन अपनी असली, जैसे आप कह रहे हैं अपनी असली शख्सियत को सामने लाने की भरपूर कोशिश की है, तो इस बात को भी एड्रेस करें, क्या मसले भाई, क्यों नहीं आप लोग साथ आना चाहते? जब आप 50 दिन एक दूसरे के साथ रहते हैं ना, मतलब आप घर वालों को भी पहचानना छोड़ देते हो, वो भी आपको कहते हैं कि घर से बाहर निकल जाओ, तो फिर ये तो सब दोस्त है ना। फिर एकदम से एक ब्रेक जरूरी था कि आप इतना टाइम आप लोगों ने साथ गुजारा है तो एक थोड़ा सा ब्रेक आ जाए, बट ऐसे कुछ हुआ नहीं हमारे बीच में। तू तू मैं के अलावा और कोई मतलब लड़ाई नहीं हुई प्रॉपर, मैंने लड़ने की कोशिश की थी ऐसी हंसी मजाक। आपने बेचारे को रुला दिया, जुनेद की वजारत में आपने उसको एक माशाल्लाह 6'3" 6'2" 6'2" का शख्स इतना हेल्पलेस, इतना लाचार, इतना बेचारगी में बैठा हुआ रो रहा है कि मैं क्या करूं कि ये लड़की मेरी बात ही नहीं मान रही। यार उस वक्त क्या चल रहा था आपके दिमाग में? मेरे जहन में ये चल रहा था कि मैंने सोचा था कि मैं सबको साथ लेके चलूंगा, हाँ। क्योंकि 2 वीक्स रह गए हैं, खुद तो आप साथ नहीं चलेंगे। मैंने तो देखे आप यार, इसमें तालियां बनती थी आपने, मेरे में भी आपने बजा दी। कब तो आप साथ लेके नहीं चले? कब नहीं चला मैं साथ? आपने अली भाई के साथ जो किया है, ये देखिए अली भाई के साथ उसमें बहुत सारी चीजें थी जो उस टाइम पे लगता था कि गलत हो रही हैं, तो उस टाइम पे ऐसा लग रहा था कि चीजें गलत हो रही हैं, तो उस टाइम पे हम आपको नहीं लग रहा था? मुझे नहीं लग रहा था उस टाइम पे, और वैसे भी एक बीच का फेज था, वो वाला बीच के वीक्स थे, तो बड़ा डिप्रेशन में था, एंग्जाइटी हो गई थी, फैमिली को मिस कर रहा था और चीजें कुछ समझ नहीं आ रही थी कि गेम में क्या चल रहा है। लेकिन फिर एंड तक आके ये हुआ कि अब 2 वीक्स रह गए, मेरी वजारत ना भी होती मैं यही चाहता कि सब मिलके रहें, क्योंकि ये वो मोमेंट था कि हम लोग, वो वाला टाइम था कि हम लोग सब साथ मिलके चलेंगे, मेमोरीज बनाएंगे, क्योंकि एक हफ्ते के बाद तो चले जाना है हम लोगों ने। फिर यही हुआ कि इसने पूरी ठानी हुई थी, ये सोच के आती थी कि आज मैंने क्या हरकत करनी है, क्या लड़ाई करनी है, कोई बात नहीं थी। इसने किचन में भी लड़ाई की, हमारी खाना भी उठा के ले गई, लेकिन मैंने कहा इसको मैं जेल में नहीं डालूंगा, क्योंकि जो चाहती है ना वो नहीं करूंगा मैं। वो जेल में जब गई भी तो छलांग लगाई। यार आप एथलीट भी हैं क्या? अपनी फिटनेस के बारे में बताएं, क्योंकि आपने बड़ा एक मुश्किल काम था कि आप चढ़ी ऊपर और फिर आप छलांग लगा के बाहर आ गई। आई नो राइट, और मुझे उसके बाद लोगों ने इतना पसंद किया उस सीन को इतना ज्यादा, और मैं बच्चे जब भी मिलते हैं ना मैं उनको कहती हूँ प्लीज डू नॉट ट्राई दिस एट होम, इससे चोट लग जाएगी आपको, दरवाजा हो दीवार हो चोट लग जाएगी, क्योंकि वो जेल एक तो बहुत ही नाजुक सा था, वो मैं जब ऊपर चढ़ गई थी ना तब मैंने रियलाइज किया था कि वो बहुत ज्यादा डेंजरस था बना हुआ, सिर्फ स्क्रू से लगा हुआ था, और बादशाह सलामत ने आके ये बात कही थी कि अगर आप गिर जाती हो जेल पूरा साथ में आपके चला जाता, आपके साथ गिरता, तो मैंने बड़ी टेक्निकल छलांग लगाई थी वो, कि मैंने सोच लिया था कि मैं अगर ऐसे छलांग लगाऊंगी ना तो मैं इसकी रॉड पकड़ लूंगी, अगर ये मेरे ऊपर गिरा ना तो मैं अपने आप को स्टेबल कर लूंगी। अच्छा एक और टेक्निकल सवाल का आप जवाब दें, इंक्लूडिंग जुनेद आपके जो को कंटेस्टेंट्स थे वो सब ये कहते थे कि नेहा अंदर जब आती थी बाथरूम से या कहीं से उस एरिया से, तो वो ये सोच के आती थी कि अब मैंने कोई ड्रामा करना है, अब मैंने यहाँ पे कोई तमाशा लगाना है, क्या ये सच है? नहीं, आपके कुछ दिन होते थे आपने ये डिसाइड किया हुआ था? ये बिल्कुल सच है, ये सच है, ये बिल्कुल सच है। अच्छा तुम बाथरूम में, मैं क्या बोलूं, बाथरूम में टिश्यू पेपर लगाने आते थे, तुम्हें पता है? मैं बताता हूं क्या मतलब, इसके साथ वाले लोगों ने हाँ जिससे इसने डिस्कस किया, नहीं किसी से आज ये वाली हरकत कर, नाम ले ले, नाम ले, अल्लाह माफ करे, अरुबा तो आपके साथ थी, अरुबा साथ थी ना, वो बताती थी अच्छा कि अब ये होने वाला है, इसने एक बार इसमें प्लान किया कि इस बार खाने में मिर्चे मिलाएंगे, जो लोग खाने में मिर्चे नहीं खाते जैसे उमर था, अब खाने में मिर्चे मिलाएंगे, तो मेरा साथ दोस्त है, मैं तो नहीं दे रही साथ में। फिर इसका प्लान ऐसे ही प्लान होते थे उसके डेली, अच्छा कि अब ये करना है, हमने ये करना है, अब मैंने कोई करेक्टर प्ले करना है, हसन ये सब अफवाहें हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको सच्ची मुच्ची बता रही हूँ। अच्छा और अरुबा और मेरी जो थी मतलब हमारी बातचीत थी, लेकिन मैं इतना ज्यादा, मेरी आदत थी मैं अपने में रहती थी, हाँ। तो घर में भी मैंने किया अपने में रहती थी, आपने देखा नहीं मैंने इमेजिनरी फ्रेंड बना लिया था, ठीक हाँ। है अच्छा कभी कभी ऐसे होता था कि टाइम मतलब टाइम पास करना है किसी से, तो मतलब हाँ बात हो गई, उसके बाद तू मैं हो गए, लेकिन ये प्लान कुछ नहीं होता था, वो अरुबा होती थी वहां पे, तो उन्होंने ये बातें कर दी है, लेकिन ये होता नहीं। एक और आप दोनों से मैं पूछूंगा जो कि ऑडियंस भी जानना चाहती है, ऑफ ऑल द टाइम्स दैट जुनेद क्राइड, कितनी परसेंटेज आपको लगता है कि फेक क्राइंग थी?
जुनेद दो तीन दफा लगा है मुझे, बाकी यानी कि 98% genuine. 98% मुझे लगा genuine. दार कभी कभी तो उसके आंसू देख के मेरे भी आंसू निकल गए थे. तो या इट वाज लाइक दैट, कि नहीं मुझे लग रहा था कि इमोशनल हो गया है बच्चा. ऑफ ऑल द टाइम्स दैट नेहा क्राइड, आपको क्या लगा कितनी परसेंटेज है जो जेन्युइन क्राइंग है? जुनेद देखे सच बोल, मैं सच बोलूंगा 50%. 50%? 50%. बहुत ज्यादा नंबर. ये कुछ ज्यादा ही हो गया. कि ज्यादा नहीं हो गया ये? लाइक शुरू में इसके नी में पेन हुआ, आई थिंक चलने में मसला था, कहती मेरे सर में दर्द शुरू हो गया. और ये लेटी हुई है. और शुरू में ये बहुत बड़ा एक्ट करती रही है ऐसे. शुरू में जब कार्ड्स इसके घूमे, उस टाइम पे एक बादशाह का रूम था, उसमें मैं नमाज पढ़ रहा था, मैंने सलाम फेरा तो आई, कहती मेरे कार्ड्स किसने दिए, क्योंकि मेरे पास रखवा के गई थी ये, मेरे अली भाई के पास और उमर के पास. तो मैंने इसको कहा, मैंने नमाज पढ़ के निकलूँ, मैं झूठ तो नहीं बोलूंगा, मैंने कहा अली भाई की ना अलमारी में पड़े हुए हैं. कहती अच्छा, इसने गई है तोड़ के कार्ड निकाल लिया. पहली बार टूटी थी. और इसने अली भाई को नहीं बताया कि मैंने कार्ड्स निकाल लिए. और ये आके क्या कह रही है अली भाई से, एक कार्ड दे दें मुझे वॉशरूम जाना है, एक कार्ड दे दें. तब मुझे अंदाजा हुआ कि ये लड़की बहुत बड़ी चीज है, ये नहीं छोड़ेगी किसी को. मैं शरारतें करती थी, डेफिनेटली करती थी. आप बताएं, इतने सारे लोगों से आप मिलेंगे, आप क्या करेंगे? आप शरारतें तो करेंगे ना. आप मानती हैं आप खुद भी आपने मतलब किए हैं? हाँ हाँ, मैंने शरारतें की हैं. मैंने शुरू शुरू में बहुत शरारतें की हैं. जेल से फलांगना, ये सब कुछ कन्फेस किया आखिरी दिन. ऑफकोर्स तुम्हें तंग करने के लिए सब कुछ किया है ताकि तुम चिड़ो, रिएक्शन दो. अब जब ये रियलिटी शो खत्म हो चुका है, आप लोग अपनी असल जिंदगियों में वापस आ गए हैं, क्या तब्दीली महसूस कर रहे हैं आप लोग? जुनेद, एक तो आजादी जो है ना, उस घर में हम लोग ऐसा लगता है हम कैद हो गए हैं. वहाँ पे आजादी का सही मतलब पता चला. ग्लोरीफाइड जेल, मैंने तो कहा आपको लगता था ग्लोरीफाइड, बिल्कुल ऐसे ही है. ग्लोरीफाइड जेल थी, ऐसी थी वो, एक जेल टाइप की थी. और जहाँ पे आपको एक खाना मिल रहा है और आप भूखे भी रह रहे हो, आपको सोने नहीं दिया जा रहा, आपसे काम करवाया जा रहा है पूरा दिन, आपसे टास्क खिलवाए जा रहे हैं. उनका जब बस चलेगा आपको पूरी रात जगाएंगे, जब बस चलेगा आपको नचाएंगे, जब बस चलेगा आपको बिठाएंगे. तो वो एक जेल ही थी. लेकिन यहाँ पे आगे पता चला कि आजादी, और लेकिन वहाँ पे बहुत कुछ सीखने को मिला. आई थिंक वो जेल भी थी, लेकिन वहाँ पे हम लोग को सिखाया गया खाने की क्या अहमियत है, रिश्तों की क्या अहमियत है, वक्त की क्या अहमियत है. क्योंकि टाइम हमारे पास होता नहीं था, हम लोग सिर्फ आसमान देख के बताते थे कि अभी क्या टाइम हो रहा है. अजान की आवाज़ आती थी तब पता चलता था हाँ फजर होगी है, जोर होगी है, असर होगी है. तो तब जाके ये, लेकिन उस चीज़ ने सिखाया बहुत है. और ये जर्नी जो थी ना, मैं कहता हूँ ये सिर्फ जर्नी 50 डेज की नहीं थी, मेरी लाइफ, एक मैंने लाइफ जी किया है 50 डेज की. इसने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. जहाँ मैं गलतियों की बात करता हूँ, वहाँ पे इस चीज़ों ने सिखाया भी बहुत कुछ है हम लोगों को. नेहा, आप जब से बाहर आई हैं, क्या आपने लोगों के एटीट्यूड में कोई तब्दीली महसूस की है? क्या फ़र्क महसूस कर रही हैं? बहुत ज़्यादा. मुझे अंदाज़ा भी नहीं था कि लोग मुझे यूरोप में भी देख रहे हैं और फ्रांस में शो देखा जा रहा है. उसके बाद USA से मैसेजेस आ रहे हैं लोगों ने. ये नेहा एक लार्जर देन लाइफ करेक्टर था तमाशा घर में, जो कैरेक्टर था. हाँ, करेक्टर था, मतलब हर किसी का एक करेक्टर था वहाँ पे. तो एक लार्जर देन लाइफ, मतलब मैं जिंदगी में भी ऐसी हूँ, बट आई एक्चुअली सी माई सेल्फ एज अ करेक्टर. तो मेरे मूड स्विंग्स और मेरी शरारतें लोगों को बहुत पसंद आया. मुझे बहुत अच्छा लगा कि जेन्युइनली ये लोगों को अच्छा लगा है. और मैंने कभी रियलाइज नहीं किया था कि ये इतना बड़ा हो जाएगा. आप लोगों ने अपनी पॉपुलैरिटी में कोई फर्क महसूस किया? बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा. आपने इतना काम किया, आपकी पहले भी फैन फॉलोइंग, मेरे पहले भी फैन फॉलोइंग थी, लेकिन इससे आने के बाद वो और बढ़ गई है अल्हम्दुलिल्लाह. जैसे मैं देखता था, जैसे मैं बाहर निकला, मुझे नहीं पता था क्या रिस्पॉन्स है पब्लिक का, लेकिन मैं जब देखा ट्विटर पे मैं ट्रेंड कर रहा हूँ, मैं फेसबुक पे जहाँ पे कमेंट्स देखूँ वहाँ जुनेद जुनेद है, इंस्टाग्राम पे देखूँ जुनेद जुनेद है, यूट्यूब पे देखूँ जुनेद, तब पता चला कि लोग असल में प्यार कर रहे हैं और नए फैंस बने हैं इससे. और लोगों ने हमारे साथ ये जर्नी हमारे साथ जी के आए हैं वो लोग 50 डेज की. जैसे आपने कहा कि आपने पूरी 50 डेज देखी है, ऐसा लग रहा है कि आप उस घर के मेंबर हैं. तो वैसे ही लोग अब मिलते हैं ना, तो ऐसे ही मिलते हैं कि जैसे वो लोग हमारे साथ रहे हैं उस घर के अंदर. Yeah, have you gotten used to the attention, selfies, etc.? हाँ, I suppose shows से जाने से पहले तो नहीं होता होगा. नहीं, कभी भी नहीं होता था. I had like, you know, 25-28,000 followers. मुझे बस थोड़ी बहुत पिक्चर्स डालने का शौक था, तो मैं कभी कभी रील्स बना लेती थी. लेकिन अब ऐसे है that it have crossed like 52. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी कोई आता है. पहला तो इतना मज़े का इंसिडेंट हुआ कि कोई आया मेरे साथ सेल्फी लेने के लिए, तो उन्होंने पहले तो ऐसे आवाज़ दी जैसे किसी दोस्त को देते हैं ना, कि हाँ प्लीज़ इधर आओ. मैं यूँ देखने लग गई ना. अच्छा, फिर देन दे रियलाइज, तो वो एक्साइटमेंट में फिर उन्होंने अच्छा नेहा मैम प्लीज़ सेल्फी. इस तरह के इतने इंसिडेंट्स हो रहे हैं.
और अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो बताओ ना, मैं अपने एक दोस्त के साथ गई, मैं अपने दोस्त के साथ गई थी खाना खाने के लिए, तो वहाँ पे ना सबने आके सेल्फी ली है मेरे साथ, सबने बहुत अच्छा अच्छा बोला। फिर एक वहाँ से एक आए हैं इंसान आए हैं वहाँ पे काम करते थे, तो वो कहते हैं आपको तो मैंने नहीं, मुझे पॉइंट करके ना, आपको तो मैंने नहीं देखा लेकिन आपको, मेरे फ्रेंड को कहते आपको मैंने बहुत देखा है। वो कहते अच्छा कहाँ देखा है? कहते सर आप टीवी पे नहीं आते? तो ना ही वॉज लाइक नहीं नहीं मैं तो टीवी पे नहीं आता हूँ। तो कहते सर नहीं नहीं आप आते, सर आपको मैंने यहाँ भी देखा है। एंड देन ही वॉज लाइक आप छोड़ो मुझे आपके साथ सेल्फी लेनी है। एंड देन ही वॉज लाइक आ जाओ सेल्फी ले लो। तो वो कहते सर आप क्या करते हैं? अच्छा फिर भी पूछ रहे हैं क्या करते हैं? तो वो कहते मैं हॉलीवुड में काम करता हूँ ना। तो ही टुक अ सेल्फी विद हिम, तो इट वाज रियली फनी। तो आपकी वजह से माशाल्लाह आपके फ्रेंड्स भी अब जाने जा रहे हैं, जबरदस्त। मैं भी अपनी फैमिली के साथ निकला हुआ था, ऐसी है। तो एक फैमिली बैठी हुई थी पीछे, जैसे मैं उठाऊं तो कहते हैं ओ शीशी। मैंने कहा यार अब क्या, आपका रिएक्शन क्या था उसके ऊपर? मैंने उसको देखा, पहले कहती चीची, मैंने कहा चीची नहीं शीशी है। ये तो क्रेजी था शीशी। इंटरेस्टिंग। और जोर से, जोर से, जोर से। आप भजन करने वेलकम बैक लेडीज एंड जेंटलमैन। आपने जैसे देखा कि हमारे साथ ऑडियंस मौजूद है, तो उनकी तालियों का मजा तो हम लेंगे ना अभी कुछ अर्सा। जैसे उनका तमाशा अभी तक चल रहा है, हम भी थोड़ा सा तमाशा भी चलाएंगे। हमारे साथ क्योंकि ऑडियंस आज मौजूद है, उनके भी कुछ सवाल हैं यार। ओ, बिल्कुल। तो आवाम तो कहते हैं ना बादशाह होती है सच्चा बादशाह, बिल्कुल ऐसी। तो आवाम के सवाल ऐसा कैसे होते हम ना ले? बिल्कुल। हाँ भाई, किसके सवाल हैं? हैं आपका है सवाल? आए ना, आए यार, आए आए आए, तालियों में तालियां यार। ऑडियंस मेंबर हमारे में ज्वाइन कर रहे हैं। खड़े क्यों बैठे? आओ आओ, दोनों बैठेंगे यार। अरे आओ यार, क्या हो गया? आओ बैठो बैठो। कैसे हो? ठीक ठाक, आप सुनाए। क्या नाम है तुम्हारा? ओसामा अली। ओसामा अली जी जी। क्या क्या करते हो ओसामा? मैं स्टडी करता हूँ। क्या स्टडी करो? यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी में तो हो लेकिन स्टडी क्या कर रहा हूँ? किस चीज में? बीए कर। सब्जेक्ट होंगे कोई फेवरेट? सब्जेक्ट नहीं, नहीं सब्जेक्ट फेवरेट नहीं है, नहीं है कुछ, नहीं ऐसे ही है, ऐसे ही है। क्या सवाल पूछना चाहोगे? ये लो माइक पकड़ो, आज तुम होस्ट हो। अच्छा मैं होस्ट। मेरा सवाल जुनैद भाई, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? ठीक है, बिल्कुल ठीक ठाक हूं अल्हम्दुलिल्लाह। तमाशा घर के बाथरूम में आखिर होता क्या था? अबे ये तो तुम बंद कराओगे शो। चलो यार, चलो जाओ यार। वो जो हर बाथरूम में होता है, वो हर वॉशरूम में। लेकिन ये मेरे ख्याल में एक इंपॉर्टेंट सवाल है। नया मुस्कुराई है बहुत। नया क्या होता था तमाशा घर के बाद? सारी आई थिंक सारी जो दिन की डिस्कशंस थी ना वो वहीं होती थी। अंडे छुपाए गए थे, दूध छुपाया गया था बाथरूम में, लड़कियों के वॉशरूम में, लड़कों के वॉशरूम में नहीं, लड़कियों के टॉयलेट में। ठीक है। और यार ये तो बहुत अजीब बात है, किसने दिया ये? माशाल्लाह से नाम लेना क्यों? घबरा क्यों रही हैं आप? तो दबंग है। नहीं, नाम लो। नाम की बात नहीं है ये। नहीं, आपको नाम लेना पड़ेगा। मैंने अभी तक एपिसोड्स नहीं देखे तो मुझे ये नहीं पता, लेकिन वहाँ से चीजें निकली थी तो इसलिए मैं बता सकता हूँ। चले आप बताए, आपको पता है? नताशा अरूबा। नताशा अरूबा दोनों ने, दोनों ने बाथरूम में खाना छुपाया। अच्छा, क्योंकि एक तो मेकअप भी छुपा, वो भी जब टास्क मिला, स्पेशल टास्क था उसका, सीक्रेट टास्क था नताशा का, तो उसने ऊपर छुपाई, ऊपर मिर्चें भी छुपाई गई जो हमारी किचन की जो थी, मिर्चें वगैरह वो भी छुपाई गई, अंडे भी छुपाए गए, इस तरह सब चीज़ें सबने। फिर एक बार जब पता चल गया कि यहाँ चीज़ें छुपा सकते हैं तो लड़कियों ने छुपाई हैं। और वो तो लड़कियों के बाथरूम में होता था ना, लड़कों के बाथरूम में मुझे पता चला कि काफ़ी सारी डिस्कशन होती थी, प्लानिंग होती थी, स्ट्रैटेजियाँ बनती थी। आपके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही है ये सच है? ये बिल्कुल सच है। हमारा वॉशरूम बहुत छोटा सा था, इन लोगों का बहुत बड़ा था वॉशरूम, हमारा छोटा सा था, तो उसमें एक चेयर लगी होती थी। जब तक अली भाई सी चेयर थी ये बाथरूम, इट वाज आल्सो अ स्मोकिंग एरिया इन द बाथरूम, इन द वॉशरूम। ओके, तो वहां पे एक चेयर थी और चेयर के साथ में एक वहां पे एस्ट्रे टाइप की लगी हुई थी। ओके, तो चेयर पे अली भाई बैठते थे और हम उनके सारे मुरीद थे। एक बंदा स्लैब पे बैठता था, एक बिन पड़ी हुई थी, एक बिन पे बैठता था, एक उनके कदमों में बैठता था, एक खड़ा होता था, और वो डिस्कशन होती थी पूरे दिन की कि आज क्या होगा, कैसे होगा, ये बंदा कैसी गेम खेल रहा है, अच्छा अब क्या करना है हम लोगों ने, अच्छा कोई हम लोग ऐसा करते हैं कि कोई हम लोग ड्रामा कर लेते हैं, कुछ ऐसा कर लेते हैं ताकि बोर ना हो, या बहुत बोर हो रहे हैं तो आज ये कर लेंगे, अच्छा उसने ये कर दिया। तो पूरे दिन की डिस्कशन जो है ना उस टाइम पर होती थी, एक तो अर्ली मॉर्निंग, फिर एक दोपहर के टाइम पर, और एक रात में सोने से पहले।
तो ये प्लानिंग चल रही थी, प्लानिंग तो होती थी, लेकिन इस पे नहीं था प्रोड्यूसर्स की तरफ से कुछ रिस्ट्रिक्शन के यार इतने लोग बाथरूम में नहीं हो सकते भाई। देखिए पहले वार्डरोब एरिया के साइड पे पहले कैमरा नहीं था, उन्होंने वहां पे भी कैमरा लगवा दिया। अच्छा पहले नहीं था? पहले नहीं था शुरू में, जब हम लोग गए शुरू में नहीं था, शुरू के आई थिंक 2-3 दिन नहीं था, फिर वहां पे भी लगा दिया गया क्योंकि सारे लोग वहीं पे घुसे होते थे, वहीं पे बातें हो रही हैं, हर चीज हो रही है। फिर उन्होंने एक बूम माइक भी लगवा दिया, बड़ा सेंसिटिव माइक था वो वाला, ताकि वॉशरूम की जो आवाज़ है ना कोई ऊंचा बोले तो वो भी सुनाई दे। लेकिन हम लोग होशियार थे, माइक उतार के जाते थे हम लोग और वहाँ लेकिन मुझे पता चला जो बाथरूम में आपकी डिस्कशन होती थी वो भी पहुंचती रही है, पहुंचती रही है क्योंकि बूम माइक आपका सब आवाज कैप्चर करता था। लेकिन अब से ये है कि सीजन 3 में वॉशरूम में भी कैमरा लगेगा, बाकी में तो भाई लोग अपना सामान और काम क्या करेंगे, फिर कैसे करेंगे? बस वहाँ पे एक छोटी सी जगह है, बाकी अंदर वहाँ तो नहीं होगा, अंदर बाथरूम के साइड पे, लेकिन वॉशरूम के अंदर होगा वहाँ। ठीक है भाई, तब्दीली जैसे मैंने कहा आनी भी आ गई है। और कोई सवाल आपका सवाल? मैम आए ना, बैठे प्लीज आप, मैं आपकी ऑनर में मैं खड़ा हूँ, आप आए प्लीज बैठे, आप बैठे 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 तशरीफ रखें। आपका नाम? वालेकुम सलाम, मेरा नाम सायरा है। सायरा है तो मैं यहाँ बैठ जाऊँ? हाँ जी। सायरा किसके लिए सवाल लेके आई हैं आप? मैं जुनैद के लिए सवाल लेकर आई हूँ, और जुनैद मैं वाकई तुम्हारी बहुत बहुत बड़ी फैन हूँ, और मुझे बिल्कुल भी अभी बिलीव नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने हो। नहीं, नहीं, बहुत। आप आए यहाँ 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 आप ऐसे करके देखिए, करें करें, नहीं जेनुइन है, जेनुइन है। हाँ, बहुत शुक्रिया आपका। बाकी मैंने आपका बेबी बाजी ड्रामा भी बहुत शौक से देखा है, इवन मैंने नहीं हमारे पूरे घर ने, मैं समझती हूँ यहाँ जो ऑडियंस बैठी है इन्होंने भी बहुत लाइक किया। सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना प्यार के लिए और इतना मतलब के इतना पसंद करने के लिए ड्रामा भी। बेबी बाजी से तो आप हमारे हीरो हो ही गए थे, लेकिन जब हमने आपका तमाशा देखा, बैठे ना, बैठो बैठो बैठे, हाँ जब तमाशा में हमने आपको देखा तो समझे आप हमारे सुपर हीरो हो गए। अच्छा सवाल क्या है आपका जुनैद? अब मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है। रिक्वेस्ट? सवाल नहीं, रिक्वेस्ट। रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट। अच्छा। और मेरी रिक्वेस्ट ये है कि आपको हमें यहाँ पे रो के दिखाना। अरे वाह 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 वाह, यूनिक रिक्वेस्ट, थैंक यू, वाह, थैंक यू सो मच, थैंक यू। पांच सेकंड ऑन करो। नहीं नहीं, मैं आप बैठे 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 बैठे, माहौल बनाए जरा यार, लाइट वाइट डिम करें, लाइट डिम करें, लाइट, हाँ हाँ, म्यूजिक हो। नेहा आपका क्यों है, आपने जुनैद के आंसू निकलवाने, ठीक है, गो। जुनैद मैं आइंदा कभी तुमसे बात नहीं करूंगी, मैं कभी भी अब तुमसे मिलना नहीं चाहती, बिल्कुल भी नहीं मिलना इस चाहती। इस बात पे वो क्यों तो रोएगा? वो तो खुश वो रोएगा अब दोस्त बन गए ना, अब रोएगा। और क्यों, मैंने ऐसा क्या किया तुमने तुम मुझसे मिलना नहीं चाहती? तुम्हें याद नहीं है तुमने मेरी कॉफी छुपाई थी, और अब मैं तुम्हारे लिए 6 अंडे जो है वो भी फ्राई करके और ऑमलेट बना के भी नहीं दूंगी, बस मैं जा। हाँ, मैंने छुपाई थी कॉफी, वो सिर्फ इसीलिए छुपाई थी ताकि तुम बाद में पी सको। ख्याल करता हूँ तुम्हारा, दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारा। अब तुम ऐसी बात कर रहे हो तो चलो सही है, ठीक है, तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अब थोड़ा थोड़ा हो गया, पहले नहीं था। अफसोस हुआ मुझे, बहुत अफसोस हुआ। नहीं अभी नहीं आया, अभी भी नहीं यार देखो जुनैद, तुम एक बहुत अच्छे बाप हो, तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, लेकिन तमाशा में जो तुमने हरकतें की हैं वो तुम्हें जेब नहीं देती थी। तुमने बहुत सारे लोगों का दिल दुखाया, बहुत सारे लोग तुमसे इतना प्यार करते हैं, इतनी मोहब्बत करते हैं, तुम सोचो कि जब तुमने ऐसी बातें की तमाशा में कैमरा के ऊपर, उनको कैसा लगा होगा? इतने सारे लोग हैं जो कि तुम्हें वोट भेज रहे थे, तुम्हारे बारे में ट्वीट कर रहे थे, तुम ट्विटर पे ट्रेंड कर रहे थे मेरे भाई, लेकिन फिर तुमने वहाँ पे कुछ लोगों के साथ जो तुम्हारा एटीट्यूड था, तुमने इतनी बदतमीजियाँ की, चीखे चिल्लाए मारने तक आ गए तुम दानिश को। दानिश कितने अच्छे इंसान है यार, तुम अपनी हाइट देखो और उनको देखो, यू सो पावरफुल। तुमने वहां पे अपना ऐसे करके जलाल दिखाया कि जैसे तुम पता नहीं कोई मुगलिया सल्तनत के सुल्तान हो,
मैं अपने लिए नहीं लड़ रहा उस टाइम पे। आंसू तो निकालो मेरे भाई, आंसू नहीं तुम्हारे अभी। देखो 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 आ गया थोड़ा सा, एक और ये आ गया आंसू। क्या बात है, आ गया। थोड़ा सा मुश्किल था मेरे भाई, लेकिन हम ले आए, हम ले आए। प्लीज हैव अ सीट। कमाल यार, कमाल। दे देखें आप, ये अच्छे जो एक्टर्स होते हैं ना, टैलेंटेड एक्टर्स, वो क्यू के ऊपर अपने आंसू यूं निकालते हैं। आज हमने आपको ये भी ट्रेनिंग दे दी। अच्छा भाई, अब हमारा एक सेगमेंट है, अब आ रहे हैं। अब एक से दो तीन पे चले गए। अच्छा, हमारा अगला जो सेगमेंट है, इसका नाम है नकल के लिए अकल। ओके, ठीक है। हम यहाँ पे टैलेंटेड आर्टिस्ट जो हमारे आते हैं, हम चाहते हैं कि यार वो अपना टैलेंट भी तो शोकेस करें। बिल्कुल। सिर्फ हम कॉन्ट्रोवर्शियल बातें करें उनसे, सिर्फ हम वायरल क्लिप्स निकालें, ऐसा नहीं हो सकता। तो हमने आप लोगों के लिए एक सिचुएशन डेवलप की है, आप इनएक्ट करेंगे। नेहा, आपसे शुरू करते हैं। सिचुएशन ये है कि आप एक जगह इंटरव्यू देने आई हैं और आपने बताना है कि आप इंसानों के दिल की गंदगी साफ करने के लिए क्या क्या इस्तेमाल करती हैं, और किस किस इंडस्ट्री के लोगों पर आपने ये आजमाया हुआ है, और कहाँ पर आप कामयाब हुई हैं, कहाँ पर आप नाकाम हुई हैं। तो अपने तमाशा के कंटेस्टेंट्स को जहन में रखते हुए कुछ प्रॉप्स होंगे जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा, और आपने बताना कि कैसे लोगों के दिलों के अंदर जो गंदगी होती है उसको आप साफ कर सकती हैं। ठीक है, सही, अंडरस्टूड। ओके, आप कुछ बात करना शुरू करें पहले। वेयर इज योर, दैट्स योर कैमरा। या आप बताएं कि लोगों के अंदर किस तरह की ऐसी बातें होती हैं, क्या ऐसी क्वालिटीज होती हैं, नेगेटिव क्वालिटीज, टॉक्सिक क्वालिटीज जो उनको चेंज करनी चाहिए। बीच बीच में मैं आपको फिर कुछ प्रॉप्स दूंगा। ठीक है, सबसे पहले तो ये है कि लोगों के दिल में जो मैल होती है, जैसे कि हीबत कुछ लोगों को बहुत बहुत पसंद होती है करना, तो उनके लिए मैं चाहूँगी कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे मैं वो हीबत, दिल की जो हीबत, दिल से जो हीबत करते हैं वो ख़त्म हो जाए। तो उसके लिए ये स्प्रे है, और ये स्प्रे जो है आप सुबह शाम अपने मुँह पर लगाएंगे तो आप गीबत जो है कम कर देंगे, बल्कि ख़त्म कर देंगे। और उसके बाद बुरी बात या गाली देने से पहले आप प्लीज़ अपने दांत अच्छे से ब्रश करें, दो दफ़ा साबुन के साथ ब्रश करें। साबुन से आपके जो दांत भी है ना, और मुंह है, वो साफ हो जाएगा, और उसके बाद आप जो है गीबत नहीं करेंगे, गाली नहीं देंगे, कुछ भी बुरा भला नहीं कहेंगे, और उल्टी सीधी किसी के बारे में बात करने से पहले ज़रूर ये काम करें सुबह। और उसके बाद बुरी बातें सुने भी नहीं, किसी के साथ अगर बैठे हैं और वो गीबत कर रहा है तो उसमें आपको बीच में बोलने की ज़रूरत नहीं है, प्लीज़ डोंट डू दैट, बहुत बुरा लगता है, कोई अच्छी बात नहीं लगती, कैमरे पे तो बिल्कुल भी नहीं लगती। तो उसके लिए पहले आप अपने कान साफ करें, ये आप दिन में 3 से 4 घंटे तक करते रहें जब तक किसी की बुराई हो रही है, ताकि ना आप सुने और ना आपको गुनाह मिले। उसके बाद नहाना बहुत ज़रूरी है, दिन में 4 दफ़ा नहाएं और तौलिए का यूज़ करें। इससे क्या होगा, आपका माइंड फ्रेश रहेगा और आपके दिमाग में गंदी बातें और गीबत और गालियाँ नहीं आएंगी, तो बहुत ज़रूरी है। और उसके बाद अपने जूते ज़रूर पॉलिश करें, इससे जूते पॉलिश करेंगे आपका दिमाग जूतों पे लगा रहेगा, तो आप किसी की बुराई नहीं करेंगे, किसी को उल्टा सीधा नहीं बोलेंगे, और किसी के खिलाफ जो है ना आप कोई साजिश भी नहीं करेंगे। तो प्लीज़ जूते पॉलिश करें। जबरदस्त हुए आप लोग, इम्प्रेस है, कितना अच्छा किया, वाह 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 वाह। भाई जुनेद, आप तैयार हैं? जी बिल्कुल। आपके प्रॉप्स भी मेरे पास तैयार है, मैं आपको पहले आपकी सिचुएशन दूंगा। आपको कुछ प्रोडक्ट्स बेचनी है, और ये बताते हुए बेचनी है कि ये प्रोडक्ट्स कैसे लोगों को पॉजिटिव रख सकती हैं और नेगेटिविटी से दूर रख सकती हैं। ठीक है, समझ गए आप। तो आप कुछ शुरू करेंगे, आप एज अ टेलीमार्केटर अपने आप को पहले इंट्रोड्यूस करें। जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है जुनेद नियाज़ी और मैं लाया हूं आप लोगों के लिए एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट्स जो के आप लोगों को रखेगा पॉजिटिव, नेगेटिविटी से दूर रखेगा आप लोगों को पॉजिटिव रखेगा। और उसके लिए मैं लाया हूँ ये चमन ब्रश। ये आप अपने दांतों पे लगाएं, आपके दांत साफ रहेंगे, और इससे आप हर वक्त स्माइल करते रहेंगे, हर वक्त पॉजिटिव रहेंगे, नेगेटिविटी से दूर रहेंगे। और ये है डस्टर, इससे आप इसको यूज़ करके आप अपना दिल साफ कर सकते हैं, अपने दिल की मैल को आप हटा सकते हैं, और इससे आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहेंगे। और ये मसवाक, इसको आप जब यूज करेंगे तो आप अच्छी अच्छी बातें करेंगे, पॉजिटिव बातें करेंगे, इससे आपके दांत भी साफ रहेंगे और मुंह से खुशबू आएगी और सामने वाला भी पॉजिटिव रहेगा इससे। और ये है बुनियान। इसको पहन के आप बहुत स्मार्ट फील करेंगे, बहुत अच्छा फील करेंगे, आप यंग देखेंगे और पॉजिटिव रहेंगे इसको देख के भी। और इसको कस लें, इसको कस लें आप
जोर से कस लें, क्योंकि अगर ये कसा रहेगा तो आप वैसे ही पॉजिटिव रहेंगे। और साथ में धुन बजाते रहें, गाने गाते रहें, फन करते रहें, एंजॉय करते रहें, धमाल मचाते रहें, खूब मस्ती करते रहें, क्योंकि आप खूब मस्ती करेंगे तो आपका दिमाग इन्हीं चीजों पे लगा रहेगा और आप नेगेटिव लोगों से भी दूर रहेंगे और नेगेटिव चीजों से भी दूर रहेंगे। तो खूब मस्ती करते रहें। तालियां, जबरदस्त भाई। अब विनर का फैसला आपकी तालियों से होगा, तो पहले एक नाम लूंगा फिर दूसरा नाम लूंगा, तो नेहा के लिए तालियां, जुनेद के लिए तालियां, एंड द विनर इज जुनेद। नेहा, आपको कैसा लगा जुनेद जीत गए? थैंक गॉड जीत गए, अच्छी बात है कि जीत गए। उसके बाद तो बनता ही है। अब जब हम विनर पे आ ही गए हैं तो मैं एक सवाल का तो मेरे जवाब जी जो तमाशा की इस साल की विनर है अरूबा, बहुत चला गया सर भैया, बहुत चला गया। मैंने क्या चला किया, तो सवाल पूछे नहीं मैंने। जो तमाशा की विनर है अरूबा, अरूबा मिर्जा जी, उनके बारे में आप लोग दोनों क्या समझते हैं कि क्या ये डिसीजन अवाम की तरफ से फेयर था या नहीं? जी जुनेद, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगा कि उसने बहुत अच्छा गेम खेला, 50 डेज उसने सर्वाइव किया, ये बहुत बड़ी बात है वहाँ पर 50 डेज रहना भी, क्योंकि ये हर इंसान की बस्ती बात नहीं है। उसने 50 डेज सर्वाइव किया, बाकी पब्लिक वोटिंग थी शुरू से लेकर आखिर तक, हम लोग पब्लिक फेयर थी पब्लिक की वोटिंग, हम मुझे नहीं पता क्योंकि हमें ना दिखाया गया। आप सरप्राइज हुए रिजल्ट से? मैं सरप्राइज तो हुआ। आप हुए? मैं सरप्राइज, आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे? क्योंकि मैं बताता हूं आपको, क्योंकि मुझे ये चीज बताई गई कि जब मेरी वजारत आई तो मेरे वोट्स गिरे, जब मेरी वजारत आई, जब एंड के वीक्स में मेरे वोट्स गिरे, जबकि मेरी वजारत में अभी जब देख रहा हूँ, फीडबैक देख रहा हूँ लोगों का, तो उसमें लोग बहुत पसंद करें मेरी वजारत को कि बहुत पॉजिटिव रही, सबने एंजॉय किया, बड़ा अच्छा कंटेंट मिला लोगों को, कोई लड़ाई नहीं हुई उसके अंदर। तो अब जब मैं आगे देख रहा हूँ, मुझे जब ये बताया गया कि आपके वोट्स गिरे, तो मुझे समझ नहीं कि मेरे वोट्स गिरे कैसे। ठीक है, लेकिन तो आपके लिए अरूबा की जीत एक सवालिया निशान है? सवालिया निशान तो है, लेकिन पब्लिक वोटिंग भी है, पब्लिक वोटिंग की निशान है या नहीं अरूबा की जीत? देखिए वो सबके लिए है, अच्छा। मेरे लिए नहीं है, वो सबके लिए है। सबके लिए मतलब सारे कंटेस्टेंट्स के लिए? कंटेस्टेंट्स के लिए भी है, अगर आप नेहा से पूछेंगे उसके लिए भी है, बाकी सबसे पूछेंगे उसके लिए भी है, क्योंकि जब लास्ट मोमेंट पे मैं बैठा भी हुआ था फिनाले के लिए, तो दे वर लाइक तुम जीत चुके हो, जब लास्ट 2 बज गए, दे इज हु, अली भाई, दानिश भाई, दे वर लाइक मिशेल, सबने कहा तुम जीत चुके हो, जबकि जो सीजन 1 के कंटेस्टेंट थे जो आए हुए थे, उन्होंने भी कहा यार हमारे लिए तुम जीत चुके थे उस टाइम तक, जब लास्ट 2 में 2 खड़े हुए अरूबा और तुम, हमारे लिए तुम जीत चुके थे। ठीक है, और मैं जिससे भी मिला बाहर भी, मैं जिससे मिला आके, सेलिब्रिटी से मिला, जितने भी अपने कुलीग से मिला, सबने यही कहा कि इट वाज शॉकिंग के हमारे लिए। ठीक है, नेहा आपके लिए भी अरूबा की जीत एक सवालिया निशान है या नहीं? बिल्कुल है, बिल्कुल है। और यही बात है कि सबको यही लग रहा था कि जुनेद ही जीतेगा, तो ये बात तो ठीक है, जुनेद जो है, जुनेद इज गोना विन। और बाकी ये कि मेहनत सबने की थी, फिर इसको एक और तरीके से अगर मैं पिक्चर को देखती हूँ तो मेरे लिए ये पांचों ही विनर है, क्योंकि सबने, हम पांचों ने बहुत मेहनत की है, किसी ने एक मिनट का ये नहीं किया कि मैं बैठ जाता हूँ, मैं मेहनत नहीं कर सकता या मैं घर चला जाता हूँ, इन लोगों ने तो ये बात ही नहीं की। और जुनेद को, और लास्ट डेज में जितना कॉन्टेंट आई थिंक मैंने और उमर ने दिया और फैजान ने दिया, उतना किसी ने नहीं दिया होगा। आई एग्री विद यू, बिल्कुल, हम लोगों ने कैरेक्टर्स प्ले किए, डेली हम लोग करेक्टर्स प्ले करते हैं, कभी इंटरव्यूज ले रहे हैं, कभी डांस कर रहे हैं, कभी वैसे ही कैमरे के साथ जाके इंटरेक्ट कर रहे हैं। आपका और नेहा का बड़ा अच्छा एक सेगमेंट था जिसमें नेहा की बात कैमरास मान रहे थे, और उसमें अरूबा एक्चुअली वो सिटिंग बिहाइंड द सीन, और मैंने देखा कि नेहा को देखते हुए शी एक्चुअली गॉट अप एंड केम। अगर आप 24/7 जिसने देखा है, अरूबा को मैंने ये बात बोली थी एंड में कि तुम बहुत डेड हो चुकी हो, प्लीज जागो इस गेम में, जागो, क्या उल्टा होगा जिसको आप कह रहे हैं जागो, वो जीत गई और आप हार गए। मैंने जगाया है और मैंने उसको पॉजिटिव रहने के लिए भी कहा, क्योंकि अदरवाइज उसका ये होता था कि वो जाके लड़ेगी, उसका ये होता मैं लड़ने वाली हूँ, मैं कहता नहीं लड़ना, तुमने क्या हो गया, तुम्हें क्यों लड़ना है, एंड के वीक्स चल रहे हैं तो लड़ाई की जरूरत नहीं है, अगर कोई कुछ बोल रहा है तो इग्नोर करना भी सीखो। और मैंने कहा तुम जागो, तुम डेड होगी, अगर मिशेल चली गई है, तुम्हारी फ्रेंड चली गई है, ज़ैनब चली गई है, ज़ैनब थोड़ी देर के लिए आई थी बीच में, तो उसका ये मतलब नहीं तुम्हारी गेम खत्म हो गई है। तो नेहा जब एंड में मामला जुनेद और अरूबा के बीच में था, who were you expecting to win? जुनेद, seriously. You expecting जुनेद? हाँ, my vote was for him कि यही जीतेगा, and तो आप भी शॉक में आई गई। Exactly. तो अरूबा जीत कैसे गई? आप लोग शॉक में हैं, ऑडियंस शॉक में है, सब सवाल उठा रहे हैं, तो आपको क्या लगता है क्यों जीती अरूबा? पब्लिक वोटिंग,
Probably yes. Public. आप कह रहे हैं आप ट्रेंड कर रहे थे ट्विटर के ऊपर, आप कह रही हैं आपको कोई जानता नहीं था, तमाशा के बाद आपको जानना शुरू हो गए, आपके फॉलोअर्स इतने बढ़ गए। मेरी पिक्चर वायरल हो गई थी जो राणे के साथ टास्क में थी, वो पिक्चर वायरल हुई थी। आपकी पिक्चर वायरल, आपका जेल से निकलना। मेरे चार हैशटैग्स जो है, चार हैशटैग्स वो ट्रेंड किए ट्विटर के ऊपर, और जब मैं निकला हूँ तो जीते क्यों नहीं आप? अब ये मैं क्या कह सकता हूँ। अब उनका कहना, एक और चीज भी थी, बादशाह सलामत ने जब फिनाले में एक बात कही कि अवाम कॉमर्स तो कर रही थी, लाइक भी कर रही थी, चीजें शेयर भी कर रही थी, लेकिन वो वोट नहीं कर रही थी। यार आप लोगों ने वोट दिया तमाशा में? दिया? किसको दिया आपने? जिन्हें, इन लोगों को दिया, इनको दिया, इनको दिया। ओ अवाम तो ये है भाई सामने, अवाम तो ये है, अवाम ने तो फैसला सुना दिया। और अवाम जहां तक मैंने देखा है उसके भी है फैन फॉलोअर, फैन फॉलोइंग है उसकी अरूबा की, मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं है कि उसके नहीं है, लेकिन जहां तक मैंने देखा, अगर आप YouTube देख लें, अगर आप Insta देख लें, अगर आप कोई भी प्लेटफॉर्म देख लें सोशल मीडिया का, तो वहां पे अगर फिनाले की बात करें तो मेरे ज्यादा उसमें थे, लेकिन फिर भी अगर उन्होंने शायद कमेंट्स किए, वोट ना किए, मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन अवाम ने बहुत ये गिला तो आपको अपने फैन से करना चाहिए फिर। हाँ मैं फैन से गिला करता हूं। आपके इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स हैं, अगर वो सारे एक एक वोट कर देते आप जीत जाते। बिल्कुल ऐसे ही है, और आई थिंक जो बात है आई थिंक लोगों ने किया भी होगा, और नए फैन आपको गिला करना चाहिए अपने फैन से। गिला करो। हाँ मैं गिला कर रहा हूँ कि आप लोगों ने वोट नहीं किया, वोट करना चाहिए था, अगर आप वोट करते तो मैं जीत जाता, लेकिन फिर भी मुस्कुरा क्यों रहे हैं आप साथ में? मैं बहुत प्यार करता हूँ अपने फैन से, मैं बहुत प्यार करता हूँ, मैं हार की भी दिल से नहीं कह रहा, मैं हार की भी जीत चुका, गिला दिल से नहीं, मैं हार की भी जीत, बाजी कर रहे हैं आप, मैं बाजी दिल जीते हैं, हमने दिल जीते हैं, तालियां भाई तालियां। ये फर्स्ट सेकंड पोजीशन कुछ नहीं होती मेरे लिए, मेरे लिए था, मैं अपने फैंस के लिए किया था, फैंस ने पसंद किया, नए फैंस बने, लोगों ने पसंद किया, मेरे लिए यही जीत है, लोग प्यार कर रहे हैं, हार जीत कोई बात नहीं, हार जीत होती रहती है, हार जीत होती रहती है। Exactly. आपने भी इससे ये लेसन ड्रॉ करना है यार, जिंदगी में कोई भी अगर बम्प आए, कोई भी चैलेंज आए, कोई भी मुश्किल आए, आपने हार नहीं माननी, क्योंकि हार के जीतने वाले को क्या कहते हैं? बाजीगर। बाजीगर। जुनेद एंड नेहा, अब वक्त हुआ चाहता हमारे एक सेगमेंट का जिसका नाम है डेंजर डेक। ओके ठीक है, परेशान नहीं होना, इट्स रैपिड फायर क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट, मैं आपसे कुछ सवाल पूछूंगा और फिर आपने उसके रैपिडली जवाब देने, ठीक है? तैयार हैं आप दोनों? जी तैयार। नेहा पहले आपसे शुरू करते हैं। Yes. The most awkward moment of yours in Tamasha Ghar? Awkward, सबसे ज़्यादा पहला हफ्ते में जो वो कार्ड वाला सीन हुआ था ना, कि कार्ड चुरा लिए थे अली ने, तो वो awkward था। वो awkward था ना, क्योंकि उस वक्त मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था और एकदम से एक सिचुएशन सामने आ गई थी, इसलिए। ठीक है। ये मिसाल के मुश्किल वक्त में गधे को भी बाप बनाना पड़ता है, कभी आपने रियल लाइफ में इसको एक्सपीरियंस किया? हाँ, तमाशा घर में बहुत दफा। एक बताएं ना इंसिडेंट। मुझे राणे की पर्सनालिटी नहीं समझ आती थी, मुझे नहीं समझ आता था, वो बहुत ही अजीब सी पर्सनालिटी थी उनकी, तो उनको मैंने बनाया था, मतलब मैं उनके साथ अच्छे अच्छे तरीके से रहने लग गई थी, जस्ट बिकॉज यू नो ही वाज इन द किचन और वो अंडे फेंटते थे। ठीक है, आपके हिसाब से तमाशा में सबसे फेक कंटेस्टेंट कौन था? सबसे फेक मुझे नताशा लगी थी। यस, वो एकदम से दोस्त हो जाती थी, फिर वो चेंज हो जाती थी, मुझे फेक लगा। हालांकि जुनेद नताशा ने सबसे ज्यादा सपोर्ट किया नेहा को अपनी, लेकिन दही दी है इसको, अंडे दही दिए, उसके बाद वो मुझसे लड़ाई भी की है उन्होंने। शदीद गुस्से में आपका क्या रिएक्शन होता है? शदीद गुस्से में बस नहीं, मैं बोलने लग जाती हूँ, जोर जोर से बोलने लग जाती हूँ, और उसके बाद जो है किसी से लड़ लेती हूँ बस। ठीक है, तमाशा में सबसे टाइडी कंटेस्टेंट कौन था? कौन? टाइडी साफ सुथरा, बहुत अच्छे तरीके से, वेल ऑर्गेनाइज्ड, साफ सुथरा, वेल ऑर्गेनाइज्ड, ये जुनेद था वेरी टाइडी, हां वेल कैप्ट, और सबसे ज्यादा गंदा इन द सेंस कि यार बहुत जो गंदगी फैलाता है, मैसी जो होता है, मैसी, अच्छा मैसी तक लड़के वैसे होते हैं मैसी, तो मैसी मुझे एडी भी लगा था। ठीक है, या एडी लगा था मैसी। या तमाशा के कौन से एक कंटेस्टेंट से आप बहुत ज्यादा इरिटेट हुई और उसे दोबारा बिल्कुल नहीं मिलना चाहेंगे? अब ये बोलना पड़ेगा। हाँ क्यों नहीं, क्यों अरूबा। ठीक है फिर, अरूबा या। ठीक है, थैंक यू, आपने बहुत अच्छे, तालियां भाई, मैं आ गई, बहुत अच्छे जवाब। जुनेद जी, सोशल मीडिया पर ऐसी क्या बात हुई है रिसेंटली तमाशा के बाद जिसने आपको सबसे ज्यादा ऑफेंड किया? यही कि मैं बहुत नेगेटिव था, कि मैं बहुत नेगेटिव रहा हूँ, ये बात मुझे बहुत ऑफेंड की है, मतलब कि मैं इतना नेगेटिव था, लेकिन उनको हालात भी समझने चाहिए कि वहाँ पे क्या हालात थे, क्या हुआ था, लेकिन वो लोग नहीं समझ रहे, वो लोग सिर्फ एक पिक्चर देखते हैं, एक घंटे के एपिसोड देखते हैं, लोगों ने 24/7 नहीं देखा मोस्टली लोगों ने, और वो जज करने लगे। आप परेशान हो, आप किसी के बच्चों को एड्रेस करके कैमरे पे ये तो नहीं बोलेंगे ना कि तुम्हारे पापा चोर हैं, लेकिन आप तुम्हारे पापा लूजर हैं, लेकिन आप उसके बाद देखे वो हालात कैसे थे,
और क्या चीजें हुई थी उसके बाद, लेकिन मैंने उसको कितनी बार सॉरी किया, मैं अभी तक मैंने सॉरी तो कर दिया, मैं आपका सॉरी एक्सेप्ट भी कर लिया सबने, लेकिन आप जो कह रहे हैं कि नेगेटिव आप कहां थे, आपको लगता है आपको लगता है एक्सेप्ट हो गया होगा है? आपको लगता है एक्सेप्ट हो गया? मेरे ख्याल में हो गया, इसलिए आप यहां पे बैठे हैं। क्यों भाई, एक्सेप्ट हुआ या नहीं हुआ? हो गया, आपकी बॉलिंग तो एक्सेप्ट हो गई, लेकिन नेगेटिव आप पूछ रहे क्यों थे, तो इसलिए थे। ऑफेंड होने वाली क्या बात है, ऑफेंड ना हो आप, ठीक है। रेट द फॉलोइंग, और एक और चीज भी ऑफेंड हुआ मैं कि मैंने ना लड़कियों के लेसेस बांधे, ये बांधे, लेकिन वो चीज है कि रिस्पेक्ट भी कोई चीज होती है। अगर आपके कोई दोस्त है वहां पे, या कोई आप जिसके साथ 50 दिन शेयर कर रहे हो एक घर, ठीक है, तो वहां जाके आप किसी को हेल्प के लिए आ रहे हैं आपके, तो मैं कर देता हूँ, ये सबको करना चाहिए। नेहा को तो नहीं आपने इतना हेल्प किया? नेहा ने कभी मांगी नहीं हेल्प, लेकिन इसकी मैंने हेल्प की है हमेशा, जब भी इसने मुझे दलिया बना के दिया था, दलिया बना के दिया था इसने बहुत दफा। ठीक है, ये जो तमाशा कंटेस्टेंट्स हैं, इनको उनकी परफॉर्मेंस के हिसाब से आपने रेट करना है जी, ठीक है। आपने 10 में से नंबर देने, ठीक है। राना आसिफ 4, निदा फिरदौस 2, उमर शहजाद 9, फैजान शेख 7। ओ नेहा, आपने नोटिस किया, फैजान ब्रदर फ्रॉम अनदर मदर, उसको 7 और उमर शहजाद 9, क्योंकि फैजान बीच में ना काफी घबरा गया था गेम में, जब उसकी वाइफ आई है ना, उसके बाद उसको समझ नहीं है कि गेम करनी क्या है, वो बहुत कंफ्यूज रहा है उसके अंदर। इसके बाद तो फैजान ही आपको फोन करके पूछेंगे क्यों आप उनको साथ नंबर। मिशेल 8, शी वाज अ वेरी स्ट्रांग प्लेयर, मैं उसको हमेशा कहता रहा हूं, वो खामोश थी लेकिन टास्क में उससे बेहतर कोई नहीं खेलता था लड़कियों में, ठीक है। बिफोर एंड आफ्टर तमाशा, आपने इंडस्ट्री का जो आपकी तरफ रवैया, उसमें क्या तब्दीली महसूस की? सब बहुत पॉजिटिव है, बहुत पसंद कर रहे हैं। पहले नहीं थे? नहीं, अभी भी है, लेकिन अब ज्यादा हो गए, ठीक है। आई थिंक मैं जो हारा हूँ तो लोगों की सिंपथीज भी साथ हैं, और लोगों ने पसंद की जर्नी पूरी, कि कैसे मैं चेंज हुआ हूँ पूरी जर्नी के अंदर, पॉजिटिव फिर नेगेटिव हुआ फिर मैं पॉजिटिव हुआ, लोगों ने बहुत पसंद की ये चीज, ठीक है। नेक्स्ट ईयर तमाशा में आप किसको देखना चाहेंगे? मैं सब जितने भी बड़े सेलिब्रिटीज हैं ना, जो बहुत कहते हैं कि ये सब चीजें स्क्रिप्टेड हैं या ये है, और मैं देखना चाहूंगा आप लोगों को भी देखना चाहूंगा। अच्छा, कि वहां जाके पता चले कितना आसान है। मुझे तो छोड़े, मैं सेलिब्रिटीज में किसका नाम लेना कुछ एक दो। मैं सबको, मैं हीरा मानी को देखना चाहूंगा वहाँ पे, मैं जवेरिया साउथ को देखना चाहूंगा वहाँ पे, मैं वहाँ पे सजल को देखना चाहूंगा वहाँ पे, ठीक है, कि वहाँ जाके कैसा होता है, मैं वहाँ जाके मुनीब भट्ट को देखना चाहूंगा, एसएम खान को देखना चाहूंगा, इन सबको देखना चाहूंगा मैं, ठीक है। कौन सा कंटेस्टेंट तमाशा घर में आना डिजर्व नहीं करता था? निदा, क्योंकि उसने बताया नहीं था, उसको कुछ प्रॉब्लम्स थी, मेडिकल प्रॉब्लम्स थी, जबकि उसको एक वीक बाद हमें पता चला कि उसको प्रॉब्लम है। अच्छा, और हम काफी परेशान हो गए उसके लिए कि आप क्यों आई हो फिर, अगर इतना भी, अगर इतने 7 वीक्स आपने रहना यहाँ पे 50 डेज, तो आप कैसे सर्वाइव करोगी यहाँ पे, तो उसको नहीं आना चाहिए था। ठीक है, वेल डन, जुनैद के लिए भी तालियां, बहुत अच्छे तरीके से आपने जवाब दिए। अब हम चलते हैं क्विकली हमारे अगले सेगमेंट की तरफ, इसका नाम है अंदर की बात, ठीक है। ये बहुत बेसिक सवाल होते हैं हमारे गेस्ट के बारे में, ताकि जो लोग जानना चाहते हैं मजीद हमारे गेस्ट के, उनको पता चल जाए, ठीक है। तो मैं एक एक करके सवाल पूछ रहा हूँ। जुनैद, पहला सवाल आपसे है, शो में होने वाली ओपन चीटिंग के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ओपन चीटिंग, कौन सी ओपन चीटिंग? हुई है ओपन चीटिंग? कुछ भी ओपन चीटिंग नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुई। ऐसा कोई मोमेंट नहीं था जो आपको लगा हो कि यार ये तो स्क्रिप्टेड है भाई, ये नथिंग वाज स्क्रिप्टेड। जितनी भी आवाम देख रही है, मैं सबको कहना चाहूंगा, कोई चीज स्क्रिप्टेड नहीं थी, सबके साथ फेयर हुआ। हाँ, सबके साथ, कोई किसी को भाई नहीं मिला मशवरा वहाँ पे, कहीं नहीं। बादशाह सलामत आके क्यों देते थे बातों बातों में, लेकिन वो सबके लिए होते थे, सिर्फ एक इंसान के लिए नहीं होते थे, ठीक है, सबके लिए होते थे वन बाय वन, वो सबको, ऐसा किसी को इंडिविजुअली अंदर बुला के कुछ नहीं, मेरे ख्याल से मैंने नहीं देखा ऐसा कुछ। फैजान के बारे में बहुत बात हुई यार कि उसको बादशाह के कमरे में बुलाया और उसका बिहेवियर एकदम चेंज हो गया। नहीं, फैजान का बिहेवियर वैसे चेंज होने लग गया था, क्योंकि जब फीडबैक आया ना आवाम का, वो बाद में आया था, वो बाद में आया था, वीक के शुरू में फैजान ने, आप जब हड़ताल पे गया था दानिश के साथ, जब टास्क हुई थी एंड दानिश वन द टास्क जी, उसके बाद फैजान ने बोला कि मैं खाना भी नहीं खाऊंगा, दानिश के साथ भी बहुत लड़ाई हुई, सब कुछ हुआ, और उसके बाद फैजान वो सिटिंग उधर वहां पे बादशाह की तरफ से बुलाया गया, व्हेन ही केम बैक ही वाज अ कंप्लीटली चेंज पर्सन, क्योंकि मुझे याद और है। आपने तब बोला कि इसके बारे में बात करेंगे, मीनिंग के बाथरूम में जाके बाद में इसके बारे में बात करेंगे, वो तो बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते थे हम वॉशरूम जाके। आपको क्या लगा कि फैजान में जो तब्दीली आई उसकी कोई वजह होगी? मैंने कभी नहीं ऐसा सोचा कि उसके साथ किसी ने बताया होगा, उसको क्लू दिया होगा, लेकिन आई स्वयं मैंने नहीं ऐसा सोचा, ठीक है। नेहा, शो के बाद आपकी लड़ाई हुई है किसी कंटेस्टेंट से? नहीं, लड़ाई नहीं हुई थी, लड़ाई नहीं हुई थी। फिनाले पे जो कुछ हुआ उसमें मेरा दिल खराब हुआ था, जो बात थी वो मैंने अपना पॉइंट रख दिया था। हाँ। फिर उसके बाद मॉर्निंग शो पे मुझे मतलब फिर से वही बातें दोहराना मेरे ध्यान में नहीं था, ना ही मैंने करनी थी।
सेगमेंट में वो हो गई थी जिन्होंने कैसे की हो जाती है, जो बातें आप करना ना चाहती हो वो कैसे खुद से हो जाती है। नहीं वो करना चाहते थे तो उन्होंने की। अब बहुत सारी चीजें ना हसन, अगर मैं जिताने लग जाऊं कि मैंने तुम्हारे लिए खाने बनाए थे या मैंने तुम्हारे लिए रोटियां बनाई थी या मैंने तुम्हारे लिए ये किया था, मैं अपनी तरफ से बहुत अच्छी रह रही थी कि मैं दोस्ती सबके साथ अच्छे से चलो, तो अगर ये बातें फिर वो दूसरे लोग जो हैं जिन्होंने बोला था लाइक उमर ने बोला था तो वो मुझे सुना रहे थे, मैंने सुन ली। बस ये बात थी, बाकी ये कि जो जो चीज़ें मैंने देखी फिनाले में जो बिहेवियर थे ना, आप मुझे दोस्त बोलते हो, आप अगर मेरे बारे में कोई ऐसी बात हो रही, फिनाले घर से बाहर था, हमने डिसाइड किया था कि घर के अंदर की जो भी बात है ना हम इसे यहीं ख़त्म कर देंगे, और मैंने ख़त्म कर दी। ऐसे ही है। और अब फिनाले की भी कोई बात नहीं मैंने दिल में रखी है, ये सवाल है इसलिए मैं बता रही हूँ कि देखिए फिनाले में जो हो रहा था वो एज अ फ्रेंड मुझे सपोर्ट कर सकते थे लेकिन उनकी तरफ से कोई सपोर्ट ही नहीं आया, और जो दूसरी जो पार्टी थी उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा हेट मिल रहा था, जैनब की तरफ से बहुत ज़्यादा हेटरेट हो रहा था फॉर नो रीज़न, हालांकि गले भी लगाया। आई डोंट नो, आई हैव नो क्लू, टू बी वेरी ऑनेस्ट आई हैव नो क्लू, मे बी देर इज प्रोफेशनल जेलेसी और समथिंग लाइक दैट हैपेंड कि मैं घर में टिकी रही या वो बाहर चली गई, ये बात थी। इट कैन बी एनीथिंग, बट द थिंग इज दैट कि मेरे दिल में अब कुछ भी नहीं है, तो उस वक्त जो हुआ वो हो गया। आप दोनों को आपस में अगर कोई शिकायत है, कुछ जुनेद से अभी भी आपको शिकायत है, आप एड्रेस करना चाहेंगे अभी? नहीं कोई भी शिकायत नहीं है, मैंने सब बातें हम लोगों ने क्लियर कर ली। लास्ट डे हम लोगों ने वादा किया था या कि जो चीज तमाशा घर में हुई है वो यहीं पे है, इसके बाद खत्म है, जैसे हम बाहर निकलेंगे सब चीजें खत्म है तमाशा घर की, ठीक है, जो भी लड़ाइयां थी ग्रजेस थे सब खत्म है। अच्छा आई वांट अ लाइटर नोट, आपको कैसा खाना पसंद है, क्योंकि खाने पे इतनी बात हुई है, व्हाट्स योर फेवरेट डिश? देखिए मुझे वैसे तो बॉइल्ड चिकन खाता रहा हूँ मैं, 2.5 साल हो चुके हैं मैं एक ही डिश खाता हूँ, बॉइल्ड चिकन, उसमें ना नमक होता है ना ऑयल होता है, मैं वही खाता हूँ, लेकिन वहाँ पे ये था कि चीज़ें बनती थी आपको खानी पड़ती थी क्योंकि आपकी फरमाइश तो वहाँ चलती नहीं थी। और आपको लगा कि बहुत फर्क पड़ गया? नहीं पड़ता ना, कुछ खा ले अगर बंदा तो। नहीं फर्क पड़ता था बिल्कुल, हमने बड़ा कंट्रोल किया वहाँ पे, और वहाँ पे खाना मजबूरी भी थी क्योंकि आपको पता नहीं होता था कि अगले टाइम पे आपको खाना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो आपके लिए मजबूरी थी खाना वहाँ पे। नेहा आपकी फेवरेट डिश क्या है? मुझे मैं सही बताऊं, मुझे ग्लूटेन फ्री रैप्स और पिज्जाज बहुत पसंद है। ग्लूटेन फ्री वो बहुत ज्यादा पसंद है क्योंकि वो बहुत टाइम वहां पे चेंज हो गया था सारा सिनेरियो, बट या आई लव दैट। घर का कौन सा ऐसा काम था जो आपने असल लाइफ में कभी नहीं किया था तमाशा में जाने से पहले? ओए बर्तन मैंने इतने बर्तन कभी भी नहीं, मैंने बर्तन नहीं धोए घर में अपने, लेकिन मैंने वहाँ जाके किया, रोटी मैं एक दो पकाती थी घर में, लेकिन फिर वहाँ जाके 25 भी बनाई, तो ये सारे काम। और आपने कहा कि मेरे लिए कोई नहीं बनाता, मैं सबको बना बना के खिलाती हूं। जो बात है वो, हाँ एज अ फ्रेंड मैंने बोला भी कि मुझे बुरा लगा थोड़ा सा, बट या इट्स ऑल गुड। ठीक है, आखिरी बार कब रोया? आज को छोड़ के नहीं, घर से निकलने के बाद जब मैं अपनी बेबी बाजी की कास्ट को मिला तब मैं रोया। आपने नेहा इंस्टाग्राम पे आखिरी बार किसको अनफॉलो किया? यू नो इट वेरी वेल, आई डोंट। अच्छा नहीं, उमर शहजाद को। उमर को अनफॉलो कर दिया आपने? हाँ कर दिया था ना, क्योंकि मुझे बुरा लगा था, मैं जरा इमोशनल सी हूँ कि यार मेरी साइड नहीं ली, और फिर उसके बाद जो है कोई बातचीत नहीं हुई हमारी, तो उस वक्त मैंने अनफॉलो कर दिया था उमर शहजाद। तो आप फॉलो किसको किया आखिरी? आपने फॉलो जुनेद को किया है। जुनेद को कर लिया फॉलो। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपने बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। आपने पहले किया हुआ था नेहा को फॉलो या उन्होंने पहले किया? हाँ। नहीं हम लोग बाद में मिले हैं बीच में, तब हमने आपको क्या लगता है कि ये कब तक रहेगी फॉलोइंग? ये रहेगी। मैं भूल चुका हूँ, मैंने कहा ना तमाशा की लड़ाइयाँ, वो एक गेम था, गेम खत्म हो गया, और मैं भी भूल चुकी। ठीक है नेहा, आप यूजुअली जब आप शॉपिंग के लिए जाते हैं आप सबसे ज्यादा किस चीज के ऊपर अपने पैसे खर्च करती हैं? शॉपिंग पे? हाँ शॉपिंग पे मैं एक अच्छी जीन्स और एक अच्छी टी शर्ट बहुत जरूरी है, इसपे मैं बहुत ज्यादा आपके सारे ज्यादातर पैसे अच्छी जीन्स और अच्छी टी शर्ट पे जाते हैं। आपका कितनी टी शर्ट और कितनी पेयर जीन्स हैं? बहुत सारी। अब तमाशा के बाद मुझे फिर से शॉपिंग पे जाना पड़ गया क्योंकि मैंने वजन कम कर लिया। ठीक है, और आखिरी सवाल पूछना चाहूंगा जुनेद आपसे, आपकी पहली सैलरी जो थी आपने उसका क्या किया? मेरी पहली सैलरी जो थी मैंने उससे अपने मदर के लिए फोन लिया था। फोन लिया? मैंने फोन लिया। हाउ स्वीट, हाउ स्वीट। आई स्टिल रिमेंबर के 2-3 सैलरीज जमा करके मैंने खर्च नहीं की थी, और 15,000 होती थी मेरी सैलरी उस टाइम पे, तो मैंने 3 सैलरीज जमा करके मदर के लिए फोन लिया, और वो आज तक संभाल के रखा हुआ मैंने। वेरी क्यूट यार। अच्छा इससे पहले हम अपने अगले सेगमेंट की तरफ बढ़े, ऑडियंस के कुछ सवाल हैं अगर
तो मैं चाहूंगा कि वो एक दो सवाल और हम लें ऑडियंस की तरफ से. आए ना प्लीज, आप यहाँ आए, हमें ज्वाइन करें, बैठे प्लीज. वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? पहले आप प्लीज अपने आप को इंट्रोड्यूस करें. अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम. हसन भाई प्लीज इधर आ जाएं. हाँ मैं आता हूँ ना, प्लीज. मेरा नाम अनम है और मैं नेहा की बहुत बड़ी फैन हूँ. थैंक यू. मेरा सवाल नेहा से ही है कि तमाशा एक फैमिली थी, उसके बाद जैनब वहाँ से चली गई, तो आपको एक सहारे की और एक कंधे की ज़रूरत थी, तो वो कमी उमर ने किस तरह से पूरी करी आपके लिए? जिम करवा के. यानी कि आप ये पूछ, अभी जो हमारी कॉन्वर्सेशन हो रही थी सारी जैनब को लेके, कि प्रॉब्ली जैनब फेल्ट अ बिट इनसिक्योर, कुड आल्सो बी बिकॉज़ शी सॉ दैट यू वर गेटिंग क्लोजर टू. आई सॉ क्लिप्स, आई सॉ क्लिप्स. तो आप ये पूछना चाह रही हैं कि क्या नेहा को उमर पसंद थे या वैसे एज सपोर्ट वो उमर सपोर्टिंग, कि किस तरह से उन्होंने आपको सपोर्ट करा जैनब के जाने के बाद? जरूर मैं बताती हूँ आपको. अच्छा, जब जैनब चली गई, वैसे मेरी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी थी कि मुझे ज़रूरत नहीं पड़ती थी किसी की, मैं अकेले भी आई वॉज फाइन, बट मेरी दोस्ती हो गई उमर से और बहुत जेन्युइन दोस्ती थी वो. उन्होंने ख्याल रखना शुरू कर दिया, उन्होंने मेरे लिए रोटी बनाई, जिससे जैनब के लिए रोटी बनाई थी उमर ने? नहीं, जैनब के लिए नहीं बनाई. फिर उन्होंने मुझे बोला कि टाइम नहीं मिलता था ना उमर को उस टाइम पे रोटी बनाने का. अब पूरी कहानी तो सुने ना, ये बहुत एक जर्नी रही है मेरी और उमर की वहाँ पे. फिर उन्होंने मुझे जब ये बोला ना कि मैं उनकी 13 में से फेवरेट कंटेस्टेंट हूँ, ये उन्होंने बोला, ये क्लिप से यार आप देख लीजिएगा, ये किचन में बोला है. 13 में से ना, 14 में से नहीं, 14 मतलब 14 तो वो, या एग्जैक्टली, ही वाज लाइक यू नो यू आर द फेवरेट वन. फिर मैंने उनसे, मैं शॉक में आ गई थोड़ा सा. फिर मैंने सोचा कि क्या सीरियसली कहते हैं? हाँ वाकई में, मैं मजाक नहीं कर रहा. तो हमारी दोस्ती शुरू हो गई. फिर उन्होंने मुझे बड़ा कंसोल किया, सपोर्ट किया. इवन तो मेरी अम्मी मुझे याद आ जाती थी. मेरी अम्मी की एक्चुअली बर्थडे सेप्टेम्बर में होती है, तो उन दिनों में मैं जरा इमोशनल हुई हुई थी. तो उन्होंने मुझे उस बात पे बड़ा समझाया, बड़े अच्छे तरीके से चलते थे. तो इस तरह से हमारी दोस्ती और ज़्यादा हो जाती, और हमारी मेरे ख्याल से बहुत अच्छी दोस्ती होती, लेकिन बीच में फिर कुछ हो जाता था तो हम अलग हो जाते थे. ये था. चलिए जी जी जी, शुक्रिया. माइक को उधर. बहुत बहुत शुक्रिया. और मैं बहुत बड़ी फैन हूँ आपकी, आपकी भी बेबी बाजी ड्रामा मैंने देखा. आपको पता है ना, आप जैनब और उमर के बीच में फड्डा करा के, हालांकि वो है भी नहीं यहाँ पे. ऐसी कोई बात नहीं है, लाजमी बात है, फ्रेंड्स होते हैं, एज अ फ्रेंड्स है. जो बात आपको कही, ये तो नहीं लगा कि उमर नेहा को पसंद करना शुरू हो गए थे? आप कह रही है अंडरस्टैंडिंग अच्छी थी, लाजमी बात है. बंदा सोचता है, एक चीज देख रहा है तो बंदा सोचता है. अभी जब मैंने क्लिप्स देखे हैं जो एडिट के कट्स, मैं देखती थी कि उमर दूर दूर से ना देख रहा होता था, देख रहा होता था. दूर दूर है मुझे फैंस, जो बात है भाई, जो बात जो फैंस ने मुझे बोला है, मुझे यही लग रहा था कि यहाँ हो सकता है, हो सकता है. छुप छुप के देखते थे. तो जुनैद आपके बारे में क्या ओपिनियन है कि हमें ऐसा लगा एज व्यूअर्स? यार ये कोई, मैं वो बातें नहीं कर रहा, ये तो हमने देखा है ना. थैंक यू अनम, आप थैंक यू, आप बैठे. मैं मुझे ये लगता है कि देखो, हम बाहर से जब देख रहे थे ऐसा लग रहा था कि जैनब और उमर एक दूसरे को पसंद करते हैं. जी ठीक है, आपको भी अंदर लग रहा होगा बिल्कुल कि पसंद करते हैं. फिर जैनब चली गई बिल्कुल. अब ऐसा लगा कुछ लोगों को, नेहा ने जैनब को रिप्लेस कर लिया, आपको लगा? मुझे तो दोनों जगह से लगा, नताशा की तरफ से भी लगा, नेहा की तरफ से भी लगा. ये तुम डिप्लोमेटिक मत बनो, मैं सच में कह रहा हूं. बट यू नेवर लाइक्ड उमर, अच्छा एक तरह से. अच्छा एक बात बताएं मुझे, एज अ फ्रेंड आई डिड, एक बात बताएं मुझे, एक लड़का जिम कर रहा है, एक लड़की को खाना के लिए ऑफर की गई कि आप कुछ भी मंगवा सकती हैं, वो सबको छोड़ के उमर के पास गई है, कि बाकी सब तो ठीक है लेकिन आप जो कहेंगे मैं वो मंगवाऊंगा. ये तो बात फिलहाल नेहा की बात है. और नेहा को तो जिम करवाया उसने भाई, बड़े दिल से करवाया, क्योंकि वो हमारा पहले से डिसाइडेड था. मैंने उससे पहले भी कहा था कि मुझे ना एक दो एक्सरसाइजेज है, मुझे जरूर बताना कैसे होनी है, कैसे करनी है. लेकिन उस वक्त जो है वो जैनब बीच में आके, जैनब वॉज लाइक यू नो यूर सो You're not supposed to do this. ठीक है. और जब ज़्यादा बढ़ गई तो वो एक्सरसाइज करना आसान हो गया. आसान हो गया. और उमर ने बता दिया होगा कि कौन सी एक्सरसाइज करनी है. लेकिन यही चीज वैसे ही रहनी चाहिए थी ना, फिर वो एकदम से चेंज हो जाना, तो ये अजीब लगता है. ठीक है. और मॉर्निंग पार्टनर भी थे ये लोग ब्रेकफास्ट के. हाँ. यार ये बहुत सारी बातें खुल रही है जो तमाशा में भी नहीं खुली. लेकिन अब वक्त हुआ चाहता है हमारे एक और सेगमेंट का. अब जैसे आपने किया ना बेबी बाजी, बिल्कुल हमारी भी एक बाजी है और वो बाजी सब जानती हैं, सब जानती हैं. हाँ तो अब हम चलेंगे हमारी बाजी की ओर, क्योंकि हम जानना चाहते हैं आपके बारे में बहुत कुछ जो अभी तक हम नहीं जानते. बिल्कुल. मैं भी जानना चाहूंगा. चलते हैं हमारी बाजी की तरफ, लेकिन
उससे पहले वक्त हुआ जाता है एक ब्रेक का, सो वी विल सी यू आफ्टर अ रियली शॉर्ट ब्रेक. लेडीज एंड जेंटलमैन, वेलकम बैक टू द डॉग टॉक शो. जैसे आप देख रहे हैं हमने अपनी पोजीशन चेंज कर ली है. हमारे साथ मौजूद हैं सुमेरा, और सुमेरा अपने गोले की एनर्जी के थ्रू है ना, इन लाइटों, इन ये चमकती दमकती बिजलियों के थ्रू हमें बताएंगी इन दो शख्सियात की दिमागों में क्या चल रहा है, क्या चल रहा था, क्या चलने वाला है. Over to you, Sumera. पहले तो आप individually हमें इन दोनों के कुछ traits के बारे में बताएं. नेहा से start करेंगे. नेहा का chart. लेकिन इससे पहले आप start करें. लेकिन इनका भी बताएं please. मेरा बता चुकी. मैंने क्या बता चुकी. हम सुनना चाहते हैं. मैं ये लोगों तक बात पहुंचाना चाहता हूं. आप कभी नेहा से पहले मिली हैं? नेहा आप पहले कभी सुमेरा से मिली हैं? No. This is your first time ever meeting. Sumera, have you given any information to Sumera besides your date of birth? नहीं. आपने कुछ उनको इन्फॉर्मेशन नहीं? कुछ नहीं बताया. ठीक है, तो आप हमें बताएंगे कि सुमेरा कितनी एक्यूरेट है आपके बारे में या नहीं. सेम जुनेद, आपकी कोई बहुत डिटेल्ड इंटरेक्शन कभी हुई है सुमेरा के साथ? नेवर. अपनी पर्सनालिटी के बारे में कभी आपने कुछ बताया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं. नहीं बताया. नहीं. सिर्फ आपने अपनी डेट ऑफ बर्थ बताई. ठीक है जी, ओवर टू यू सुमेरा. ओके, आर यू रेडी? यस. चलिए मैं आपका कंसेंट ले लेती हूं कि आप कैसा फील कर रही हैं बिफोर वी स्टार्ट. मैं बहुत अच्छा फील कर रही हूँ. यू कैन से एनीथिंग. ओके, अच्छा ठीक है. चलिए मैं कोशिश करूंगी आप अच्छा ही फील करते रहें. तो हम स्टार्ट करेंगे आपकी पर्सनालिटी से. तो आपकी पर्सनालिटी में थोड़ा सा क्वर्किनेस है. लाइक इट्स लाइक कि कुछ चीज़ें एकदम से बाहर आ जाती हैं जो कि कभी कभी आप खुद भी कंट्रोल नहीं कर पाती और आप खुद सोचते हैं ये क्या था. तो जो कॉन्ट्रोवर्सीज अगर क्रिएट हो सकती हैं दैट कैन बी रिगार्डिंग योर रिएक्शन. तो जिसको शायद जुनेद आप कंफर्म कर सकते हैं कि एकदम से कुछ बिल्कुल ऐसा ही है. इसमें कुछ पता नहीं चलता था कि एकदम से निकलता था इसके अंदर से. अब बात भी नॉर्मल भी बात करें ना, एकदम से इसका स्विच ऑन होता था और सब चीजें इसकी बाहर निकलना शुरू हो जाती थी. तो हम कहते थे यार ये क्या है बंदी, समझ नहीं आती. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. और एक एक इमोशनल लेवल पे थोड़ी सी इनमें ममता भी है. तो मदरहुड जो है ना उसमें नर्चरिंग पर्सनालिटी नर्चरिंग भी है. और उसमें फिर इनको फ्रस्ट्रेशन होती है कि अगला बंदा तो इनका बच्चा है नहीं, वो बात भी नहीं मान रहा है, लेकिन इनकी ममता पूरी नहीं हो रही है. बिल्कुल ऐसी. दैट इज किसके बारे में आपको क्या लगता है तमाशा में ऐसा कौन सा कंटेस्टेंट था जिनको वो बाकायदा नर्चर करने की कोशिश करनी थी लेकिन उनके हाथ में नहीं आ पा रहा. ये नताशा था. उमर. उमर. हाँ. उमर उमर बड़े पराठे बना बना के खिलाए. नया की अगर आप चेहरे के तासुरात देखें और उनके चेहरे के ऊपर जो लाल की मकदार है वो देखें तो इससे आपको ये अंदाजा हो रहा होगा कि सुमेरा उनके बारे में बिल्कुल ठीक बता रही है. बिल्कुल. अच्छा, बड़ी इंटेलिजेंट हैं आप कैलकुलेटेड मूव्स लेती हैं लेकिन कभी कभी इमोशंस आपके जो हैं वो ड्राइविंग सीट पर आते हैं और आपकी लाइफ को ड्राइव करना शुरू कर देते हैं. और जब चीज़ें पूरी नहीं होती तो आप अपने ऊपर भी गुस्सा करती हैं, मैंने क्यों किया ऐसे. सो दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी कॉमन टू यू. यस इट इज. अगर आप बुरा ना मनाएं तो आपकी लव लाइफ के बारे में एक दो सवाल हो जाए. इजाजत मिल गई. ओहो, वेरी इंटरेस्टिंग. तो भाई इनकी लव लाइफ जो है थोड़ी एडवेंचरस है. सो शी डज नॉट लाइक सेंस में सुमेरा जी. I would like to know. तो जो दूसरे कल्चर के लोग हों या थोड़ा सा किसी के अंदर फॉरेन कल्चर के लोग हैं उनमें इनका ज्यादा इंटरेस्ट होता है. ट्रैवलिंग में इनको लव होने की बड़ी पॉसिबिलिटी है. आपको भी पता है. तो और इनको मैं भी पंजाबी कल्चर से मेरा ताल्लुक है. एक फॉरेन आपके लिए कल्चर है. इटालियन. इटालियन. ओके, मान गई हूं. ठीक है. और इनको एडवेंचरस किस्म की लाइफ चाहिए. इनको स्मूथ लाइफ नहीं पसंद. इनको लव लाइफ शुड बी एवरीडे, इट शुड बी फन. लाइक इनको प्रोलॉन्ग हनीमून चाहिए. मतलब अगर तो हम बात करें इस चीज की तो इट्स लाइक शी वॉन्ट्स एवरीडे टू बी फन. और इनको ट्रेवलिंग का बड़ा. Is that true? I am like this. I am. Okay. Yes. Okay. Yeah. So मेरा जी कहीं और ही निकल रही है. अब देखिए ना, अब भाई, I mean. The guy is getting everything, है ना, full package, अल्हम्दुलिल्लाह, माशाल्लाह से. खाना भी अब तो अच्छा बना लेती हूँ, thanks to तमाशा. तो इतना तो कर ही सकते हैं ना मेरे लिए. और एक खास बात जो इनको पसंद है, इनको खुशबू वाले मर्द बहुत पसंद है. खुशबू अच्छी आनी चाहिए मर्द में से. शक्ल भी ठीक हो, कपड़े अच्छे पहने हो और खुशबू आए तो ये पहला लेवल क्रॉस करेंगे इनके लवर बनने का, अगर ये किसी को अलाउ करती हैं तो. सो दिस इज अबाउट. तो सुमेरा जी, 10 आउट ऑफ कितने आप मार्क्स देना चाहेंगे उनकी एक्यूरेसी को? 10 out of 10, actually. 10 out of 10. बहुत. बाजी सब जानती है.
बाजी के लिए तालियां। मेरी बाजी नहीं लेकिन मेरी है ना, मेरी बाजी नहीं आपकी बाजी। आप यहाँ आए प्लीज। अब हम चाहेंगे कि जुनैद को हम हॉट सीट पे बिठाएं। हॉट सीट और लाल सीट, व्हाटएवर। लव लाइफ के बारे में सुनना मैंने। जुनैद की कुछ क्वालिटीज के बारे में। जुनैद की क्वालिटीज ऐसी हैं कि जुनैद अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। इनके अंदर भी ग्रैंडियोसिटी बहुत ज्यादा है और इनको जो है ना चमकने वाली चीजें पसंद है, खूबसूरत ही होनी चाहिए। आई एम श्योर कि आपका बेडरूम भी बड़ा कोई खूबसूरत किस्म का बना होगा जिसमें लाइट्स लगी हुई होंगी और बड़ा कोई एंटीक किस्म। बेडरूम तक पहुंच गई है यार मेरा जी, आपकी तो कोई है ही नहीं भाई। ये सबसे पहले चीज बाहर आ रही है अभी। ऐसा ही है। आगे और मत जाइएगा। अच्छा ठीक है, बस हम यहीं पे रुक लेंगे। अच्छा, एज अ पर्सन यू आर वेरी कैलकुलेटेड। आपको चीजें जगह पे चाहिए, अगर टूथपेस्ट है तो उसका ढक्कन बंद चाहिए, तमाम चीजें उनको अपनी जगह पे चाहिए। बताइए आप, ऐसे ही था वहाँ पे? किसी ने चीजें गायब कर दी आपकी तो आप पे बहुत बड़ा जुल्म हो जाता है। ऐसा ही है, जिसपे मैं बहुत लड़ा भी हूँ। क्या मेरी चीज गायब होगी तो मैं सबकी गायब कर दूंगी। बहुत गुस्सा भी किया था। अच्छा, ये बड़े प्रैक्टिकल भी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी लेते हैं मैं कहूंगी, लेकिन इनके अंदर थोड़ा गुस्सा एकदम बहुत ज्यादा आ जाता है। तो एकदम से गुस्सा आता है और एकदम से खत्म भी हो जाता है। तो आपका जो गुस्सा है ना वो आपको थोड़ा सा नुकसान देता है। ऐसा ही तो है। सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ था, कुछ बता सकते हैं? तमाशा के अंदर ही हुआ है नुकसान, नेगेटिव हो गया हम लोग, गुस्सा किया एक दो बार तो। अच्छा सुमेरा जी, एक सवाल मैं इनके बारे में पूछना चाहूंगा अगर आप जी प्लीज इजाजत हो तो। बहुत सारे लोग, जब जुनैद ने अपनी इमोशनल साइड दिखाई तो बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन भी किया और बोला कि फेक है। इवन जब जुनैद की एक बहुत इमोशनल मोमेंट थी तमाशा घर में, जब उनकी बेटी आई और बहुत लोगों ने उसका इम्पैक्ट भी महसूस किया, लेकिन बहुत लोगों ने ये भी बोला यार कि फेक है। जैसे आपको बताया गया कि आपकी उसके बाद वोटिंग जो है वो कम होगी, तो आई एम अज्यूमिंग इसी वजह से कि लोगों को शायद लगा कि जेन्युइन रिएक्शन। बिल्कुल ऐसी है। तो इज ही अ वेरी इमोशनल पर्सन एज वेल, क्या वो आपके चार्ट्स क्या बताते हैं? जुनैद इज नॉट एन इमोशनल पर्सन बट ही इज अ वॉरियर फॉर हिज फैमिली। Like he will fight for his family. मतलब इनको कोई कुछ कह जाए शायद उसके रो रो के पानी खत्म हो गया, आंसू खत्म हो गए, उसकी टंकियां सारी खाली हो गई, आप कह रही हैं नॉट इन, क्योंकि वो फैमिली से अटैच्ड हैं। तो जो रिलेशनशिप है उससे वो बिल्कुल अटैच है, लेकिन एक जनरली अगर हम बात करें जाएं कि हर किसी को ये ममता नहीं देंगे लाइक नेहा डज। So he's very और ऐसे ही है वहाँ पे आकर वो तो बप्ता देंगे ना, ममता तो वो नहीं, नहीं वो बप्ता भी नहीं देंगे। बप्ता भी नहीं देंगे। नहीं नहीं ऐसे ही है कि एक बार जो मेरे दिल से उतर जाता है वो उतर जाता है। नहीं तो आप तमाशा में तो आप बहुत रोए हैं यार। मैं बहुत रोया हूँ फैमिली के लिए, कंटेस्टेंट भी, मतलब आपको लगता है कि उनके कंटेस्टेंट उनकी फैमिली बन गए। वो मेरी फैमिली थी, मैं बहुत प्यार करता हूँ सबसे, क्योंकि मैं 50 डेज मैंने शेयर किया उनके साथ एक घर और वो मेरी फैमिली का हिस्सा बन चुके थे। एक और चीज जुनैद के बारे में ये है कि जुनैद को अगर किसी चीज से मना कर दिया जाए कि बेटा ये नहीं करना, इसमें जाके गिर जाओगे, तो ये गिर के देखते हैं खुद से। खुद हर चीज ट्राई करने का शौक है कि मैं ट्राई करूं और उसके बाद देखूं कि वाकई में गिर भी रहे या नहीं गिरे। तो दूसरों के एक्सपीरियंसेस से आप नहीं फायदा उठाते, आप अपना एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और जो लड़ाइयां हैं आपकी, आपकी खवातीन के साथ भी जो है वो अक्सर इसलिए लड़ाई होती है कि आप उन्हें लगता है कि आप उन्हें अपने से ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे हैं। तो ज्यादा इंपॉर्टेंस आपकी अपनी तरफ होती है और खवातीन को, वैसे आप हैं भी बहुत प्यारे, क्योंकि मुझे लगता है कि अपने आप को इंसान ज्यादा प्यार करे ना तो वो बेहतर है। मेरा जी हसन भाई क्या हो रहा है, क्या ये कहाँ बात जा रही है? देख सकते हैं आप, देखें लेकिन प्यारे, मैं वो ये कह रहा हूँ आप बेबी ना बने, आप बाजी बने आप। लेकिन मेरा कहने का ये मकसद है कि इंसान को पहले अपने आप से प्यार करना चाहिए, अपने आप से प्यार करना सीख लेगा तो फिर दूसरों से प्यार करेगा। लेकिन जुनैद अपने आप से पहले प्यार करते हैं, फिर अपने आप से प्यार करते हैं, फिर अपने आप से प्यार करते हैं, फिर कहते हैं अच्छा बाकी एक सवाल विद योर परमिशन, आप चाहें तो आप मना कर सकते हैं। नहीं नहीं प्लीज। पिछले 3-1 महीनों में इनका किसी खातून की तरफ रुझान बढ़ा है? जी यस बिल्कुल। इनकी लाइफ में कुछ क्रिएशन, मतलब कोई अपॉर्चुनिटी आई होगी जिसके अंदर इनको जो है रोमांटिक इंटरेस्ट इनका डेवलप हुआ होगा, बिल्कुल हुआ होगा। और इनफैक्ट मैं ये भी कह सकती हूँ कि ये पहले से जानते थे उन खातून को, शायद उनसे दोबारा मुलाकात हुई हो और दोबारा से कोई। मेरा भी एक सवाल है, क्या वो काजल लगाती थी? मैं पहले से नहीं जानता किसी को भी। और नोज पिन पहनती थी। लेकिन मैं सिर्फ एक खातून को जानता था इस तमाशा घर में जो मिशेल थी, और और किसी को नहीं जानता था। भाई मैं आपकी परमिशन से है तो आप डिनाई कर, इस बात को आप डिनाई करेंगे? हाँ मैं डिनाई करूंगा। इस बात को आप डिनाई कर रहे हैं? मैं एक जिससे बहुत प्यार करता हूँ मेरी वाइफ है, अदरवाइज मैं किसी से प्यार नहीं। डिसएग्रीमेंट नहीं हो रहा, वैसे इंसान है किसी पे दिल आ जाता है, जरूरी थोड़ी है कि आपने उस पे कोई। खूबसूरत चीजें मुझे, मैं तारीफ ही कर देता हूँ, अगर कोई चीज मुझे प्यारी लगती है, कोई अच्छी शक्ल किसी की अच्छी है, किसी अच्छे कपड़े पहने। पिछले 3 महीने
में ऐसी कोई खातून नहीं आपको हुई कि जिन आपको अट्रैक्टिव लगी हो या आपको कुछ इमोशन फील हुआ उनकी तरफ? नहीं ऐसा तो, ऐसा तो नहीं है। हम प्यार मोहब्बत की नहीं, हम रोमांटिक इंटरेस्ट की बात कर रहे हैं। तो पॉसिबल पॉसिबल अगर आप शादी करना थे, ठीक, मान गए बिल्कुल मनवा लिया मैंने। Nice. So this is pretty much it. और कोई question आपका हो तो? कुछ आप पूछना चाहें? आप पूछना चाहें कि मेरे ब्याह पे आप फ्यूचर के लिए क्या रखा है? Please, फ्यूचर के लिए मुझे बताएं, मैं जानना चाहता हूँ। क्योंकि अभी ये एक बहुत बड़े रियलिटी शो से बाहर आए हैं, तो आने वाले वक्त में, आने वाले साल में आप क्या देख रहे हैं? रियलिटी शो के हटा के मैं जितनी मेहनत कर रहा हूँ, वो अल्लाह जानता है कि मैं जितनी मेहनत करता हूँ, और मैं जानना चाहता हूँ कि इस मेहनत का सिला मिलेगा, कितना होगा, आगे नाम होगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ अपने, बहुत सिंसियर हूँ अपने काम के साथ। बिल्कुल बिल्कुल, आपको इसकी मेहनत का सिला भी मिलेगा, बल्कि कुछ पिछले टाइम में जो आपका फेम है, आई वुड से कि 200 से मल्टीप्लाई होकर आपको फेम मिला है। तो इस फेम को कंटिन्यू करने के लिए आप अपने लेसन्स अपने मेंटर्स के साथ आप रहें, और थोड़ा सा जो है ना रियलिटी चेक अपने आप को देते रहें, क्योंकि कभी कभी आप जो हैं वो इतना सेल्फ ऑब्सेस होते हैं कि बाहर की रियलिटी आपको नजर नहीं आती। तो ओवर एस्टिमेट नहीं कीजिएगा अपनी लाइफ को, और स्टे ऑन द ग्राउंड, यू विल बी सक्सेसफुल। अच्छा नेहा के लिए, नेहा के लिए क्या फ्यूचर? ओके नेहा, आपको अपनी जिंदगी को स्केड्यूल करने की जरूरत है, आपकी हेल्थ रूटीन से लेके काम की रूटीन एंड एवरीथिंग यू नीड टू स्केड्यूल, क्योंकि आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आ सकती है। उस रिस्पॉन्सिबिलिटी आने से पहले खुद से रिस्पॉन्सिबल हो जाए, आपको बहुत बहुत फायदा होगा उससे। गुड गुड जुनेश, आप सुमेरा जी का क्या रेट करेंगे टैलेंट? मैं 10 में से 10 करूंगा। 10 में से 10 क्योंकि आप एक बात पे मुकर रहे थे, वो मनवा लिया। आपने मनवा लिया? वो हसन की वो है, कुछ नहीं है, हसन का कुछ नहीं है। मैं आपको भी 10 में से 10 रेट करना चाहूंगा कि आप बात मनवा लेते हैं। मैं क्रेडिट है। बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच सुमेरा, थैंक यू सो मच। आपने हमें ना सिर्फ ज्वाइन किया, बल्कि आपने इन लोगों के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें हमें बताई, इनसाइट्स बताई। अब आपने जाना नहीं है, बस आपका वादा है हमसे कि आप यहीं पे मौजूद हैं, क्योंकि बाजी सब जानती हैं, सब मेरी नहीं आपकी। थैंक यू नेहा, थैंक यू सो मच, आप मेरे शो पे आए। कैसा लगा आपको यार, कैसा मजा आया? बहुत मजा आया। तमाशा के 50 दिन एक तरफ और ये मेरे शो पे 50 मिनट एक तरफ, जो बात, तालियां, जो बात है। मैं चाहूंगा कि आप लोग मुझे यहाँ पे ज्वाइन करें, और जाने से पहले अगर कोई आप मैसेज अपने इन सारे फैंस के साथ, व्यूअर्स के साथ, और घर बैठे फैंस और व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहें, तो ऑल द कैमरास आर योर्स। थैंक यू सो मच। मैं शुक्रिया करना चाहती हूँ सबसे पहले तो अपने फैंस का, उन लोगों का जो मेरे बिहाफ पे यहाँ बाहर दुनिया में इंस्टाग्राम पर या सोशल मीडिया पे जो है लोगों से लड़ रहे थे मेरे लिए, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने मुझे पसंद किया उस शो के अंदर, थैंक यू। और प्लीज़ मुझे इसी तरह से सपोर्ट करते रहें, और मेरी फैमिली का भी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड सपोर्ट, थैंक यू। तालियां। जुनेद जी, सबसे पहले मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जितने भी मेरे फैंस हैं, जितने भी चाहने वाले हैं, कि उन लोगों ने मुझे वोट किया, इतना पसंद किया, सपोर्ट किया। और मैं हमेशा ये कहता आया हूँ कि जितने भी फैन पेजेस हैं मेरे, प्लीज़ दूसरे जितने भी कंटेस्टेंट थे जिनके फैन पेजेस हैं, उनसे प्यार से बात करें, रिस्पेक्ट, हमेशा रिस्पेक्ट रखें, आपस में एक दूसरे से प्यार मोहब्बत से रहें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें, क्योंकि आप दूसरों की खुशी में खुश होंगे तो दूसरे भी आपकी खुशी में खुश होंगे। तो प्यार मोहब्बत से रहें और खुशियाँ बांटते रहें, यही लाइफ है। और वाह वाह वाह, अब चूंकि 50 दिन आप लोगों ने रोज सुबह इतनी शानदार एक डांस परफॉर्मेंस से अपने दिनों का आगाज किया है, बिल्कुल ऐसा कैसे हो सकता है कि जाते जाते मैं भी आपके साथ एक शेक माय लेग ना करूं? तो एक ऐसा गाना बजाते हैं जो कि आपने 50 दिनों में बहुत सुना है, ठीक हो गया? तो आप नेहा आए ना यहाँ पे, प्लीज सेंटर में आए, और आपने क्योंकि आप बहुत अच्छी कोरियोग्राफर भी हैं, मुझे पता चला है, तो जरा आप हमें स्टेप सिखाएंगे, ठीक है जी? 1 2 3 म्यूजिक। We'll be right back.
थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच, तालियां तालियां तालियां, आपने भी तालियां, सबके लिए तालियां।